यस वी आर लाइव। अब कंफर्म कर दीजिए क्विकली, मेरी वॉइस आ रही है? यस 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 यस। एक्चुअली मैं थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। एक्चुअली मैंने दो लाइव लगा रखी थी और लाइव मैं उस पर्टिकुलर लाइव पर था जो मैंने लाइव रखी थी। अब आई थिंक सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से क्लियर हैं। ठीक है, तैयार है वॉइस? मुझे बता दीजिए, मैं प्रॉपर तरीके से मेरी वॉइस आ रही है? वॉइस थोड़ा सा आप लोग कंफर्म कर दीजिए मुझे, क्योंकि एक्चुअली लाइव तो मैं 8:45 पर ही हो गया था, बट एक्चुअली में दिक्कत क्या थी, दो लाइव लगी थी। एक जो कल आपकी कैंसिल हुई थी वो थी, और दूसरी आज की लाइव थी। लेकिन हुआ क्या था, मैंने जब लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट की तो मैं एक्चुअली उस लाइव पर था जबकि मुझे एक्चुअली इस स्ट्रीमिंग पर लाइव होना चाहिए था। बट आप लोग एक बार बता दीजिए, एक बार सारी सर क्लियर है वॉइस? अरुण ने बोला है आई थिंक क्लियर है। तो सबसे पहले मैं एक बार अपना फेस भी दिखा देता हूँ, क्योंकि बिना फेस के ऐसा लगता है कि सर है ही नहीं, बिना फेस के ऐसा लगता है कि सर है ही नहीं। ठीक है, दिख रहा है प्रॉपर तरीके से सबको? चलिए, तो मैं थोड़ा सा एक दो मिनट का टाइम लेना चाहूँगा आप लोगों से। यानी एक दो मिनट का क्यों, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को सवाल लूंगा, क्योंकि फिर 75 मिनट के लिए हम ब्लॉक हो जाएंगे। ब्लॉक का मतलब इन द सेंस फिर हम पेपर सॉल्व करने में बिजी हो जाएंगे। तो अभी जस्ट 2 मिनट का वेट करेंगे या 1 मिनट का। आपका कोई सवाल है तो क्विकली मुझे बता दीजिए क्विकली। मैं जस्ट 1 मिनट का, सब क्लियर है? और अभी तक सभी लोगों ने, मोस्टली लोगों ने पेपर दे लिया होगा जितना मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट एनरोल हुए थे। लगभग 50% ने तो मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजा है, तो अच्छा खासा स्कोर आया है। और अगर आपका इस पेपर में स्कोर आया है तो डेफिनेटली ये समझ लेना आपका पेपर क्वालिफाई है, क्योंकि बहुत ही रिसर्च के साथ मैंने ये पेपर बनाया था। मतलब कहीं ना कहीं बहुत सोचा था मैंने कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। सर अलग टेस्ट, अगला टेस्ट, अच्छा पटेल जी पूछ रहे हैं अगला टेस्ट, देखते हैं ये रेस्पॉन्स आपका कैसा रहता है इसका। फर्स्ट टेस्ट का वैसे तो सब लोगों ने अच्छा खासा मतलब स्क्रोल किया है और काफ़ी मतलब आप लोगों ने पसंद किया इस टेस्ट को। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टेस्ट में आपको कल ही दे दूँ, ज़्यादा वेट नहीं करवाऊँ, क्योंकि अगर आप, मैं क्लास के लास्ट में देखता हूँ, अभी तो काफ़ी लोग हैं बट क्लास के, मैं एक सेकंड सभी लोगों के एक बार मैसेज देखना चाहूँगा। सर हम नहीं दे पाए, कोई बात नहीं श्वेता, अगर आपने नहीं दिया है तो देखो आप यहाँ से भी जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो सारे क्वेश्चन आप देखेंगे, 36 नंबर आए मेरे, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए मैंने आपसे बोला था, स्टार्टिंग में ही बोला था जब मैंने ये पेपर अनाउंस किया था, उसी समय मैंने आपसे बोला था कि ये पेपर आप उस टाइम स्लॉट में देना जहां पे आपको लगे कि आप 75 मिनट के लिए फ्री हैं, तो आप पेपर दोगे तो आपका स्कोर अच्छा आएगा। क्यों, मैं इस टेस्ट के नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा रख सकता, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं रखे। क्यों, क्योंकि आप लोग ये सोचते हो कि सर हमने ये अटेम्प्ट कर लिया फिर बाकी मस्ट अच्छा कर लेंगे, अच्छा कभी नहीं होता। जब आप फ्री हो तभी अच्छा माना जाता है मेरी कंडीशन में। ठीक है सर, कहाँ पर रहता है टेस्ट? देखो अभिषेक को पता ही नहीं है अभी तक। काफी स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनको, जिन्होंने मतलब टेस्ट देने में उन्हें प्रॉब्लम आई। अच्छा एक बार आनंद के 44 नंबर, आनंद अच्छा स्कोर है आपका, यानी आप इस पेपर में अगर क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं आप बिल्कुल। और एक बात और याद रखना कि इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, एक बार उन क्वेश्चन को अच्छे से अटेम करना, अच्छे से मतलब ये है कि इन द सेंस आपको पेपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपने देखे, कौन से क्वेश्चन में आपने जो बी ऑफ अटेम लगाया आपने क्वेश्चन को अटेम करने में, तो वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। क्योंकि आपको उसे, क्योंकि ये वो पेपर है जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। अगर रेस्पॉन्स रहा तो मैं सेकेंड पेपर भी जरूर लेके आऊंगा। ठीक है, आप लोग तैयार हो जाइए, मैं सीधा लाइव पर आता हूँ आपको। सर 52 मार्क्स आए, अजय ने बोला अच्छा। अजय आपका अच्छा स्कोर है, अगर आपका 52 है तो मेरी नज़र में आपका अच्छा स्कोर है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि आप 52 स्कोर कर रहे हो, यानी इन द सेंस आपका स्कोर बहुत अच्छा है। थोड़ा सा मैं बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक बार मैंने पेपर स्कोर स्टार्ट कर दिया तो मैं सर ओपन नहीं हो रहा था। पूजा जी अगर ओपन नहीं हो रहा था तो मैंने आपको बताया, अभी तक नहीं हो रहा है तो एक बार मुझे
फिर से कॉल करना, मैंने आपसे बोला था मुझे कॉल करने के लिए, आपने किया नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे बाद में कॉल कर लेना। बट मैं ये चाह रहा था कि आप इस पेपर से, यानी जो मैं सॉल्यूशन करा रहा था, इस सॉल्यूशन से पहले अगर आप सॉल्व कर लेते तो मेरी नज़र में बेस्ट था, मेरी नज़र में बेस्ट था ये, ठीक है। चले तो आप सीधा हम आई थिंक एक माउस मेरा दिक्कत दे रहा है, मैं थोड़ा सा माउस चेंज करना चाहूँगा, थोड़ा सा वेट करिए एक सेकंड, मैं माउस चेंज कर लेता हूँ क्योंकि माउस दिक्कत दे रहा है। जस्ट वेट क्योंकि बिना माउस के थोड़ा सा काम प्रॉपरली नहीं होगा, क्योंकि माउस का ज़रूरत पड़ेगा। यस, थोड़ा सा ज़्यादा मैं वेट, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत वेट किया है, बट अब फाइनली सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से क्लियर हैं, प्रॉपर तरीके से। अब आई थिंक आपको पेपर दिख रहा होगा, मैंने स्क्रीन शो कर दी है क्विकली, मैं अपना फ़ोटो भी यहाँ पे डिस्प्ले करा देता हूँ और अपना कॉन्टैक्ट भी, ठीक है। थोड़ा सा जिन लोगों ने कॉन्टैक्ट नहीं किया आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, बाकी छोटा सा रहेगा तो अच्छा रहेगा, बाकी मैं फ़ोटो भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। चलिए तो अब फाइनली हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब फाइनली, ठीक है, तैयार हैं आप लोग? यस। चलिए तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने जनरली समझाने के लिए आपको लिखा है, अगर आप इस स्क्रीन में देख पा रहे होंगे तो 75 मार्क्स का आपका पेपर आता है, जिसमें कंप्यूटर के 52 क्वेश्चंस रहते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5 रहते हैं, और आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 6, रीजनिंग के 6, और आपके जनरल अवेयरनेस के भी 6। अब देखो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले जस्ट 1-2 मिनट में आपके लेना चाहूंगा, माफी चाहता हूं, क्यों, क्योंकि कुछ लोगों का जो पेपर करने का टीम जो बीए होता है वो जस्ट लाइक मैं ये मानता हूं आप जो भी मेथड यूज करते हैं वैसे सही है, लेकिन अगर आप मेरा मेथड यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं, पहली बात तो ये लिख लीजिए कि कभी भी आपके एग्जाम में टाइम कम नहीं पड़ेगा, कोई भी एग्जाम हो, कितना भी क्वेश्चंस का हो, कितने भी नंबर ऑफ कहीं ना कहीं क्वेश्चंस टाइम उसका हो, ठीक है। तो आप पेपर को जस्ट लाइक टाइम साइकिल में डिवाइड कर लीजिए, टाइम साइकिल का मतलब है आप 2 टाइम साइकिल में डिवाइड कर सकते हैं, आप 3 में कर सकते हैं, जो आपके पेपर का लेवल क्या है उस हिसाब से कर सकते हैं। तो सीपीसीटी को अगर 2 साइकिल में डिवाइड करोगे तो चलेगा, पर 2 साइकिल में कैसे, देखो फर्स्ट साइकिल में आपको उन क्वेश्चन को करना है, पहली साइकिल जो टाइम साइकिल होती है, पहली साइकिल में आपको उन क्वेश्चन को करना है जिन क्वेश्चन का आंसर आप करेक्ट कर पा रहे हैं, आप उनका आंसर करेक्ट कर पा रहे हैं, या फिर वो आंसर आपने पढ़े ही नहीं, यानी आपने वो क्वेश्चन कभी नहीं पढ़े, तो आप उन क्वेश्चन का आंसर पहले अटेम्प्ट में ही कर दो, ठीक है। दूसरी साइकिल में आपको, जैसे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, मैं ये मानता हूं आप टाइम साइकिल दूसरी में डाल दो, और रीडिंग जो आपके रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन दोनों को भी दूसरे में डाल सकते हैं, लेकिन कुछ ही क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे विद इन 1 मिनट, यानी ऐसा पोर्शन आप ऐसा सॉल्व मत करिए जो 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन ना हो, कंप्यूटर होगा, हो गया आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, ये वो क्वेश्चन होते हैं जो विद इन 1 मिनट में किए जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि इन क्वेश्चन के साथ ऐसा होता है कि या तो होगा या नहीं होगा, लेकिन कंप्यूटर का मेजर पार्ट है तो इसमें कुछ पोर्शन ऐसा होगा जहां पर आप 4 ऑप्शन में थे 2 पर आप जा पाओगे, यानी 50-50 रहेगा, यानी ऑप्शन ए होगा या सी होगा, 2 ऑप्शन आप आसानी से एलिमिनेट कर चुके होंगे, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो जनरली मैं यहां पे बताऊंगा आपको कि किस क्वेश्चन के साथ आप सेकंड अटेम्प्ट में जा सकते थे और किस क्वेश्चन का आंसर आपको फर्स्ट में ही देखते लगा देना था, क्यों, क्योंकि चाहे तो आप इसको अभी देख लो चाहे बाद में देख लो, आपका आंसर यही आना है, तो क्यों टाइम आप इसमें दें। लेकिन काफी लोग ये भी कहते हैं कि सर आपने टाइम साइकिल में डिवाइड करना तो बता दिया, लेकिन हमें यही नहीं पता चलता कि कौन सा क्वेश्चन हमें टाइम साइकिल सेकंड में लेना है। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आपके सीपीसीटी में पोर्शन डिवाइड होता है, कंप्यूटर में आप जो मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन है उसका यूज करिए, थोड़ा सा उसका अगर यूज करेंगे तो सीधा का सीधा उसी क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे जहां जिस क्वेश्चन को आपने रिव्यू के लिए छोड़ा है,
और एक अच्छी बात ये है कि जब आप फर्स्ट साइकिल में किसी क्वेश्चन का मतलब अटेम्प्ट कर जाओगे तो जहां पर जिस साइड में आपका जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन का सेक्शन होता है यहां पे दिखता है कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन स्किप किए हैं, कितने क्वेश्चन आपने स्कोर नहीं किए, तो आप खुद ही काउंट कर सकते हो क्या मैं पासिंग स्कोर तक पहुंच गया हूं कि नहीं पहुंचा। तो ये एक आसान तरीका होता है, अदरवाइज ये कल क्लास ले लूंगा मैं जूम पर, वहां पे एक पेपर को एग्जांपल देके समझा दूंगा अगर लगा मुझे तो। शून्य बोला, एक दो शून्य बोला, इसीलिए मैंने यहाँ पे समझा दिया। चलिए सीधा क्वेश्चन पर जाते हैं और फर्स्ट आई थिंक सभी लोगों ने क्वेश्चन तो देख रखे होंगे, सभी लोगों ने, मैं ये मानता हूं कि सभी ने पेपर देख रखा होगा फर्स्ट। अब मैं देखो आपका कोई सवाल है तो मुझे बता दीजिएगा, आई थिंक किसी का कोई सवाल नहीं है, अगर आप बीच में सवाल डाल देना लगे मुझे, जिस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन लगेगा मैं समझा दूंगा। हाँ, क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना है ये मैं हर क्वेश्चन के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अ टूल दैट कन्वर्ट्स अ लाइन बाय लाइन प्रोग्राम इनटू अ मशीन लैंग्वेज इन इज अ कॉल्ड, यानी ऐसा कौन सा प्रोग्राम है, ऐसा कौन सा टूल है, कन्वर्टर है, ट्रांसलेटर है, जो आपके प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। तो आपने दो ट्रांसलेटर पढ़े हैं, दो जो मेनली पढ़े हैं जिनमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। देखो, एक तो आपका असेंबलर होता है, असेंबलर क्या करता है, आपकी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, और दो कन्वर्टर आपने और पढ़े हैं जो मशीन से हाई लैंग्वेज से मशीन में ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन क्या होता है, आपने देखा था एक इंटरप्रेटर और कंपाइलर, दो में ही आपको कंफ्यूजन था, अब दो में से आपने इंटरप्रेटर हमेशा लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम एंटायर प्रोग्राम को एक बार में ट्रांसलेट कर देता है। तो जब आप इस क्वेश्चन को अटेम करते तो सिर्फ दो ऑप्शन में डील करते, दो ऑप्शन में कंफ्यूज होते, ए और सी में, क्योंकि असेंबलर असेंबली लैंग्वेज के साथ करता है और इससे ज्यादा कंपाइलर इंटरप्रेटर से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, बस इतना पढ़ लीजिएगा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ मेथड एक्सेसिंग द वेव, यानी वेव को एक्सेस करने का तरीका नहीं है। तो वेव का मतलब समझते हो ना, यानी वेबसाइट से जुड़ने का तरीका क्या होगा, आप देख सकते हैं डीएसएल और आईएसडीएन मॉडेम, मॉडेम आप सभी को पता है और DSLL भी आपको पता है, यानी दो ऑप्शन आपको पता है, ये तो तरीके हैं इंटरनेट से वेबसाइट को एक्सेस करने के। लेकिन CPU और DSN ISDN आप सभी को पता है, इन दोनों में आप कंफ्यूज होते तो आप, लेकिन अब दोनों में से किसको आप चूज करें, लेकिन CPU तो कहीं ना पढ़ा है आपके कंप्यूटर से रिलेटेड है ना कि इंटरनेट से, तो कहीं ना कहीं आप एक ही साथ जाते, डेफिनेटली जाते। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री आसान है, स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, F7 है, सभी को पता है F7 सभी लोग लगाते हैं, ठीक है, फर्स्ट आप सभी को पता है शॉर्टकट की में आपको करना क्या है, फंक्शन की 1 से 12 तक, 1 से लेकर F12 तक सभी याद कर लेना, क्योंकि शॉर्टकट की के जब भी क्वेश्चन आएंगे यहां से आप कर लोगे आसानी से, ठीक है। दूसरा F3 का सर्च से संबंध है, सर्च जब भी करोगे तो आप F3 के साथ करोगे, ध्यान रखना, बस उनके बेसिक यूज हैं कर लेना, बाकी इन मॉडिफायर की के साथ अगर इनके क्वेश्चंस आए इनके बेसिक फंडामेंटल से हो जाते हैं। मैं दोनों पर यानी F1 से लेकर F12 तक और कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक, इन दोनों का मैं लेक्चर ऑलरेडी ले चुका हूं, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, नहीं मिले मुझे बता देना, मेरा व्हाट्सएप टेलीग्राम सबके पास है, मैं लिंक भेज दूंगा वहां से सुन लेना, शॉर्टकट की का दोनों से ही आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ CPU/MUP माइक्रो प्रोसेसर मल्टी फंक्शन कार्ड्स, ये मल्टी फंक्शन कार्ड के संबंध में पूछा है, फॉर द कार्ड्स यूज द टर्म मल्टी फंक्शन मीनिंग फॉलोइंग के अलावा, यानी इनमें से कौन सा मल्टी फंक्शनिंग का टर्म नहीं है जो इनमें से शामिल होता है। मल्टी फंक्शनिंग की बात करें तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये क्वेश्चन अभी अगस्त में ही पूछा गया था, ये क्वेश्चन अगस्त में ही पूछा गया था, इसका आंसर है फिंगर प्रिंट सेंसर का मल्टी फंक्शनिंग कार्ड से कोई रिलेशन नहीं है, जबकि सिक्योरिटी से है आपका, ग्रेटर कन्वेंशन से है, मल्टीपल कार्ड से है, ठीक है। चलिए तो आप आराम से जा सकते थे, इजीली मैंने रिपीटेड क्वेश्चन रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द डिफॉल्ट पैराग्राफ स्पेसिंग पूछी थी एमएस वर्ड में,
कंफ्यूजन था। आप अगर 16 में देखोगे तो 10 भी कहीं कहीं पे आपको मिल जाता है, 10 और 8 दोनों में से अगर कोई भी आए तो लगाना, ज्यादा चांस आप 10 को देना, 10 नहीं था तो आंसर देखोगे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8। हाँ एक चीज ध्यान रखना, स्पेसिंग की जब भी बात आती है तो स्पेसिंग यहाँ पे फॉन्ट में पूछिए, पॉइंट में जिसे पीटी बोलते हैं, और जब फॉन्ट साइज की बात की जाती फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट साइज आपका पॉइंट में आता है, साथ ही साथ में एक इंच में भी आता है, ठीक है। इंच में मैंने बताया था आपको, मार्जिन भी इंच में पूछी जाती है, सेंटीमीटर में भी पूछी जाती है। तो इसके साथ पैराग्राफ स्पेसिंग के साथ साथ आप मार्जिन का स्पेस भी याद रख लेना, यानी सेंटीमीटर में क्या होता है, इंच में क्या होता है, ठीक है। चलिए तो आराम से जा सकते थे, कोई टफ नहीं था, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो व्हाट एक्सेल फीचर्स विल टेल यू हाउ टू अचीव योर डिजायर आउटपुट। मैंने ये क्वेश्चन भी पढ़ाया था कि जब भी एक्सेल में हमें कोई डिजायर यानी अपनी इच्छा के अनुसार कोई वैल्यू चाहिए, जैसे आप प्रॉफिट और लॉट्स में जो काम करते हो कि पर्टिकुलर कोई चीज हमने किसी कॉस्ट पे बाई की और किसी कॉस्ट पे हमने सेल की, तो अगर हमें इतना परसेंट अगर प्रॉफिट और लॉस होता तो किस पर हम सेल करते, तो ये कहीं ना कहीं हमारी डिजायर्ड वैल्यू हो जाती है। तो डिजायर्ड वैल्यू अगर हमें आउटपुट चाहिए तो हम गोल सीक का यूज करते हैं, पढ़ाया है आपको अच्छे से, मैंने पढ़ाया था गोल सीक, सभी को पता है गोल सीक किस में आता है, व्हाट इफ एनालिसिस में आता है, व्हाट इफ एनालिसिस में और भी फंक्शंस आते हैं, तीनों चेकआउट कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन टू प्रिंट अ फाइल इन अ नोटपैड। प्रिंट की जब भी बात आए समझ जाना पी ही आएगा हमेशा हर केस में, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था क्योंकि कंट्रोल पी लगा दो ज्यादातर केस में आपका सही होगा, 100% ही होता है। व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन टू डिक्रीज द साउंड वॉल्यूम इन एमएस वर्ड पावर पॉइंट। ध्यान रखना, साउंड वॉल्यूम इंक्रीज कर डिक्रीज करना है, डिक्रीज के लिए डाउन आएगा, क्यों क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कैसे करते, इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन करने का तरीका था, इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेट करते, देखो क्यों, क्योंकि जब भी मोस्टली केस में हम अल्ट की प्रेस करते हैं तो आपका जो टैब होते हैं, जो टैब होते हैं उनके जो कैरेक्टर होते हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते थे कि अल्ट प्रेस किया तो ए यू एस आप कहीं ना कहीं ये नहीं लगा सकते थे, एक ही डिफरेंट बचा था वो बता डाउन। अगर डिक्रीज पूछा है तो इनक्रीज भी याद रख लेना, आ सकता है, ठीक है। चलिए हिंट है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यूनिक्स लाइनक्स बेस्ड सिस्टम इंक्लूड द कैपेबिलिटी टू राइट अ मैसेज टू लॉग फाइल। यानी लॉग फाइल में अगर हमें कोई संदेश लिखना है यूनिक्स और लाइनक्स में तो किस में लिखते हैं, वो लॉग फाइल क्या है, तो वो है सिस्टम लॉग फाइल, कौन सी, SYS लॉग फाइल। डी यूनिक्स लाइनक्स के क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आने लगे हैं, तैयारी कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था लेकिन इजी था अगर आप थोड़ा सा देखते, क्या मोस्ट डिवाइसेस ऑफ डैश कैटेगरी यूज वन ऑफ द टू टेक्नोलॉजी। यानी ज्यादातर डिवाइसेस दो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं टच स्क्रीन के अंदर, अब वो टच स्क्रीन कौन कौन सी है, आप रेसिस्ट टच स्क्रीन, कॉमनली यूज्ड स्टाइलस डिवाइसेस होते हैं उसमें, और कैपेसिटिव टच स्क्रीन ऑपरेट बाय फिंगर टिप्स। यानी दो टच स्क्रीन की टेक्नोलॉजी यूज होती है ज्यादातर में, एक तो आपके टच स्क्रीन डिवाइसेस की बात की जा रही है, एक तो होती है रेसिस्टिव और दूसरी होती है आपका कैपेसिटिव, ठीक है। आप यहां से लगा सकते हैं, तो कैपेसिटिव आप समझ सकते हो फिंगरप्रिंट टच के लिए, और स्टाइलस का यहाँ पे यूज लिखा है, स्टाइलस यानी जो स्टाइलिस है उसके लिए, ये टच स्क्रीन की दो टेक्नोलॉजी है। लेकिन अब ये डिवाइसेस कौन सी होती हैं, यानी ये डिवाइसेस आपका जो प्रेशर सेंसिटिव डिवाइसेस होती हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस होती हैं, करंट सेंसिटिव डिवाइस होती हैं, या फिर टच सेंसिटिव डिवाइस होती थी। आप ऑटोमेटिकली सोच सकते थे कि टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, तो
तो टच सेंसिटिव डिवाइस की, चाहे तो फिंगरप्रिंट टाइप कर रहे हो या फिर अदर प्रकार की, चाहे वो पेन के साथ टच स्क्रीन हो या फिर अदर टेक्नोलॉजी के साथ हो, तो कहीं ना कहीं आप टच सेंसिटिव डिवाइस ऑटोमेटिकली 4 के साथ जाते, क्योंकि टच की बात की जा रही हो, टच स्क्रीन की बात की जा रही है। अगर ये क्वेश्चन आपके लिए नया था तो सारे स्टूडेंट के लिए नया था, लेकिन आपको सोचना था कि कैसे बाकी स्टूडेंट से आप डिफरेंट कर सकते हो, तो उसका बेस्ट तरीका था कि उस क्वेश्चन के ऑप्शन से रिलेट कर, यहाँ इस क्वेश्चन को आप सेकंड साइकिल में रख सकते हो, बिल्कुल रखना, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए थोड़ा सा सोचना पड़े तो आप इस क्वेश्चन को जरूर सेकंड साइकिल में रखते, मेरा तो ये मानना, मार्क फॉर रिव्यू के लिए जरूर लगाते, जब भी आपके लिए नया क्वेश्चन आए और समथिंग 5 to 7 क्वेश्चन फ्रेश आएंगे, ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में, अब उन 5 to 7 को आप सेकंड साइकिल में रखना, सोच समझ के उन सारे ऑप्शन को पढ़ना और आंसर करना, ठीक है। और कौन से क्वेश्चन रख सकते थे आप सेकंड साइकिल में, ये भी हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, डैश आइकॉन मींस दैट ऑल फंड्स, ऑल द फाइल्स इन ड्रॉपबॉक्स या फिर ट्रे मेनू आर अप टू डेट, यानी अगर हमें ड्रॉप मेनू या ड्रॉप बॉक्स में कोई फाइल अप टू डेट करनी है, तो कौन सा आइकन है जो फाइल को अप टू डेट का मतलब देता है, वो आइकन आपका ब्लू होता है, ग्रीन होता है, रेड होता है, वाइट, ये सबके लिए नया था। लेकिन ड्रॉप बॉक्स आप समझ लेना, पहले आपका कौन सा था, ब्रीफ केस था, विंडो अगर एक्सपी में बात करो, 7 में बात करो, एक ऑप्शन मिलता था, ये जस्ट लाइक आपका फोल्डर ही होता है, क्या होता है, फोल्डर होता है जो आपकी फाइल्स को सिंक्रोनाइज करता है। सिंक्रोनाइज का मतलब समझते हो, यानी आपने अपनी कोई फाइल अपने दूसरे पर्टिकुलर फोल्डर में रखी, वहां से आप अपडेट करते हो। जैसे आप, अगर आपने देखा होगा, आप अपनी ईमेल आईडी को अपने लैपटॉप में ओपन करते हो, अपने मोबाइल में भी ओपन करते हो, लेकिन वहां पे आप फेस कर पा रहे हो, जैसे आप गूगल डॉक की बात करो, गूगल डॉक में आपने कोई फाइल बनाई अपने कंप्यूटर में, वहां पे गूगल ऑटोमेटिक को सिंक हुआ है, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है, उसी फाइल को आप उसी समय अपने लैपटॉप में भी, अपने मोबाइल में भी ओपन कर सकते हो, ऑटोमेटिक वो सेव होती है। इसका मतलब ब्रीफ केस मैंने पढ़ाया था, ब्रीफ केस का मतलब ये होता है ऑटोमेटिक रूप से अपनी फाइल, जैसे फोटोज होता है ना आपके उसमें मोबाइल में, फोटोज में ऑटोमेटिक जितने भी आपके फोटोज हैं आपके मोबाइल में, आप सिंक्रोनाइज बटन करोगे तो वहाँ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। लेकिन ड्रॉप बॉक्स में भी इस प्रकार के कलर्स हैं, 3 प्रकार के कलर आते हैं, एक तो आपका आता है ग्रीन, एक आता है ब्लू और एक आता है रेड, एक आता है रेड, 3 कलर है। ग्रीन का मतलब है आपकी जितनी भी फाइल्स हैं सारी की सारी फाइल अप टू डेट हो गई हैं। ब्लू का मतलब है वो फाइलें ट्रांसफॉर्मिंग फॉर्म में, यानी ट्रांसफर हो रही हैं। रेड का मतलब है वो कांट बी ट्रांसफर्ड, यानी पर्टिकुलर फोल्डर में ट्रांसफर जो ट्रांसपोर्ट नहीं हुई थी, मतलब ट्रांसफर नहीं हुई थी। आप सर्च कर सकते थे गूगल पर कि ड्रॉप बॉक्स क्या होता है, क्योंकि ये नया था, पढ़ना चाहिए था आपको, ठीक है। मैं यही, इसीलिए मैंने आपसे बोला कि आप सॉल्यूशन से पहले आप पेपर सर्च कर लो, जिससे आप ये गैस कर पाओ कि कौन सा क्वेश्चन सर ने नया रखा था, जिस पर थोड़ा सा मैं काम करना था। आप खुद ही काम करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो ज्यादा समय तक आप रख सकते हो। जब ड्रॉप बॉक्स आप सर्च करते गूगल में, तो खुद वहां से समझते कि हाँ क्वेश्चन ड्रॉप बॉक्स से आया, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो ग्रीन है, आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन, यानी सारी अपडेट हो गई तो ग्रीन, रेड लाइन यानी सब अगर काम हो गया तो ग्रीन, प्रोसेसिंग में है तो ब्लू, और नहीं हो रहा है तो रेड, ठीक है। चलिए आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज अ यूटिलिटी दैट अलाउ कंप्यूटर यूजर एट वन साइड टू मेक अ कनेक्शन, लॉग इन एंड दैट कंडक्ट वर्क ऑन अ कंप्यूटर टू अनदर साइड, यानी जब आप दूसरे साइड के कंप्यूटर को आप कनेक्शन कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो, उस पर्टिकुलर डैशबोर्ड पर, उस पर्टिकुलर कंप्यूटर पर काम कर सकते हो, तो कौन सा नेटवर्क है, कौन सा वो कनेक्शन है, आप सभी को पता है टेलनेट है, बाकी कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहे थे जो कहीं ना कहीं इस टर्म को फुलफिल कर दे। तो बिल्कुल आप टेलनेट के साथ जा सकते थे, क्योंकि ये कनेक्टिविटी क्रिएट करता है दो कंप्यूटर के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, रिकंस्ट्रक्शन एक्सटेंड आर्टिफैक्ट्स, ये मैंने बताया थी आपको किसमें होता है,
3D पेंटर में होता है, किसमें, 3D पेंटर में, प्रिंटर में, ठीक है। सभी ने पढ़ा था, मैंने बताया था, इसको याद कर लेना, फोर्सली बताया था, क्यों, क्योंकि प्रिंटर पे मैं क्लास, दो क्लास ली थी मैंने, ठीक है। यानी प्राचीन जितनी भी कलाकृतियां हैं, अगर उनका हमें रिकंस्ट्रक्शन करना है तो किसका यूज करोगे, 3D प्रिंटर का। ऑप्शन नंबर 13 इज द करेक्ट, 13 का 3 करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए स्लाइड शो की स्क्रीन, जो शॉर्टकट कीज है याद रख लेना जरूर, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था स्लाइड स्क्रीन में, स्लाइड शो में हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाना है, नेक्स्ट पर, तो कैसे जाएंगे, सभी को पता है एफ एन से हेल्प होता है, एस्केप सी से एंड हो जाएगा, शिफ्ट से कुछ होता नहीं है, यानी कंट्रोल शिफ्ट अकेली ऐसे कीज हैं मॉडिफायर की, इनका अकेले कोई यूज नहीं है, आप ऑटोमेटिक माउस बटन के साथ जाते हैं। इसके अलावा एन भी है, डाउन एरो भी है, बैक भी है, एंटर भी है, बहुत सारी कीज हैं जिनसे आप नेक्स्ट स्लाइड पर नेविगेट कर सकते थे, ठीक है। यानी कैसे आप क्वेश्चन आप माउस की तरफ जाते, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है F1 का यूज क्या है, बेसिक बता दो, आप हेल्प के लिए करते हो, क्या हेल्प की बात की जा रही है, नहीं की जा रही ना। और एस्केप की का यूज हमेशा याद रखना नेगेटिव केस में होगा, यहां तो आगे जाने की बात हो रही है, और शिफ्ट मतलब है आपका मॉडिफायर की, मॉडिफायर की का अकेले यूज नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेजरमेंट, यानी हमें मेजरमेंट स्टार्ट करना है किसी का, तो पहला स्टेप क्या होगा, आइडेंटिफाइंग एंड कलेक्टिंग डेटा ऑफ व्हाट टू मेजर, सेकंड ऑप्शन है डिसीजन ऑफ व्हाट टू मेजर, थर्ड है एनालाइजिंग द डेटा, फोर्थ है समराइजिंग एनालाइजिंग डेटा। अब आप खुद बताइए, जब आप किसी चीज का मेजरमेंट स्टार्ट करना चाहती है तो दो ऑप्शन के साथ आप जा सकते थे, थर्ड और फोर्थ दोनों हटा सकते, क्यों, क्योंकि एनालाइजिंग और समराइजिंग, एनालाइज करना उसे समराइज करना, जब आपने मेजरमेंट ही नहीं किया तो कैसे करोगे समराइज और एनालाइजिंग, हटा सकते हो, बस यहां पर दो ऑप्शन हो सकते थे, व्हाट टू मेजर, व्हाट टू मेजर दो ही में ऑप्शन में, तो दो आप सोच सकते थे कि आखिर हमें मेजर क्या करना है, ये सोचना है। अब मेजरमेंट दो तरीके से, दो ऑप्शन फंसी है, एक तो सिंपल आपको सोचना है, दूसरा आपको डेटा कलेक्ट करना है और आइडेंटिफाई करना है सबसे। अब इनमें से पहला स्टेप कौन सा लगाएं, तो पहला स्टेप आपको लगाना था कि आखिर हमें मेजरमेंट किसका करना है ये डिसाइड करो, उसके बाद सेकंड स्टेप होता है आपका कलेक्टिंग डेटा, डेटा को कलेक्ट करना, आ गया समझ में, यानी मेजरमेंट का सोचोगे जभी तो डेटा कलेक्ट करोगे, समझ गए ना, यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे लगे वहां पे कमेंट कर देना मुझे, मैं आपकी कमेंट ले रहा हूं, ठीक है, जहां पे लगे मुझे बता देना। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम डिजाइन फॉर स्पेसिफिक यूजर एंड एप्लीकेशन, यानी स्पेसिफिक यूजर के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर कौन सा है, क्या फर्मवेयर है, सिस्टम है, प्रोसेसर है, खुद बता दिए, सिस्टम तो आपको पता ही नहीं लगा सकते और प्रोसेसर भी नहीं लगा सकते, कुछ स्टूडेंट फर्मवेयर और एप्लीकेशन दोनों में फंस सकते थे। फर्मवेयर सेटअप एप्लीकेशन, यानी बहुत सारे एप्लीकेशन का एक सॉफ्टवेयर होता है, ये बात कंफर्म है, लेकिन फर्मवेयर जो सॉफ्टवेयर है यूजर्स के लिए नहीं होता, ये भी सेटअप प्रोग्राम होता है, सेटअप एप्लीकेशन होता है, लेकिन फर्मवेयर हमेशा सिस्टम के लिए होता है। अब फर्मवेयर क्या होता है, जैसे आपके वॉशिंग मशीन में जो ऑपरेटिंग जो सॉफ्टवेयर है, आपके माउस में है, आपके टीवीज में है, तो वहां पर एम्बेडेड या फिर बोला जाए फर्मवेयर यूज करता है, यानी किसी भी फर्मवेयर का मतलब क्या होता है, सॉरी एम्बेडेड सॉफ्टवेयर मैंने एग्जांपल दे दिए, फर्मवेयर वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है कि आपका जो कंप्यूटर है, जो भी आपकी डिवाइस है, वो ऑन यानी वो काम कैसे करेगी, यानी हाउ टू वर्क, हाउ टू कम्युनिकेट पर्टिकुलर डिवाइसेस, ये सारे प्रोग्राम सेट होते हैं फर्मवेयर में, तो ऑटोमेटिक आंसर जा सकते थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ, ठीक है। कंफ्यूजन, जहां पे कंफ्यूजन होगा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम तो है लेकिन नेटवर्किंग नहीं है, लेकिन नेटवर्किंग नहीं है, आप विंडोज नेटवर्किंग है, सॉलिड स्टेट नेटवर्किंग है जो कि
डेटाबेस के लिए काम करता है, डेटाबेस। अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर पाया, जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा है उन्होंने एक ही ऑपरेटिंग जो कहीं ना कहीं एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाया, पहला ऑप्शन। लेकिन काफी स्टूडेंट ने थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा है तो ऑप्शन नंबर फोर्थ को भी वो एलिमिनेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो डॉस होता है वो कहीं ना कहीं ना तो मल्टी यूजर होता है ना मल्टी प्रोसेसिंग होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तो नेटवर्क की बात की जा रही है और नेटवर्क का मतलब होता है एक से ज्यादा डिवाइस जोड़ना, तो कहीं ना कहीं आप खुद सोच सकते थे कि डॉस में तो काम ही नहीं होगा, तो डॉस भी हटा दीजिए। अब दो बचे आपके पास। हाँ, इस क्वेश्चन को या तो आप इसी टाइम में कर दो या सेकेंड साइकिल में लगा दो, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर मिल गया है आपको, मेरे हिसाब से आपको आंसर मिल गया। क्यों? क्योंकि डॉस एक ऐसी डिवाइस है ना तो मल्टी फंक्शनिंग है ना तो मल्टी यूजर है, तो आप खुद सोच सकते हो यहां पे तो नेटवर्क की बात की जा रही है और पूछा यही जा रहा है कि कौन सा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, चारों के चारों है। कुछ लोगों ने नेटवेयर लगाया होगा, हाँ मान सकते थे कि आपने नेटवेयर या सॉलिस नहीं पढ़े, लेकिन डॉस तो आपने पढ़ा है ना। डॉस एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो ना तो मल्टी फंक्शनिंग ना तो मल्टी यूजर, कुछ भी नहीं होता, आंसर जा सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 सबने पढ़ा है, PPM पेज पर मिनट सबको पता है। प्रिंटर की अगर स्पीड मेजर करनी है, प्रिंटर की स्पीड, तो CPM, LPM और PPM तीनों से पढ़ा था आपने, तीनों से मैंने आपको पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर क्या जाओगे? क्वेश्चन 18 का सेकंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट एन एट्रीब्यूट फॉर द वायोमेट्रिक सेंसर, वायोमेट्रिक सेंस जो सेंसर होता है उसका एट्रीब्यूट नहीं हो सकता, यानी बायोमेट्रिक किसके द्वारा काम नहीं कर सकता। आपने वेन पैटर्न पढ़ा है, जो आपके में होता है वेन पैटर्न ऐसे मोबाइल में, सबने पढ़ा है। फेस होता है, वॉइस होता है, ब्लड ग्रुप से कोई कनेक्शन नहीं है, ब्लड ग्रुप से कोई कनेक्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब व्हाट पीपल डू एट सोशल नेटवर्किंग साइट, यानी सोशल नेटवर्किंग साइट पर लोग क्या काम करते हैं, क्या उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे दे इंटरेक्ट विद अदर पीपल, दूसरे पीपल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी पढ़ लीजिए। दे ब्राउज आर्टिकल एंड अदर कंटेंट, ब्राउज करने के लिए सोशल नेट साइट का यूज नहीं किया जाता, ये पता है। एचटीएमएल कोड किए जाते हैं, बिल्कुल नहीं है। कोड अप लिंक, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन हो गया फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इफ योर पिवट टेबल हैज ओनली वन फील्ड इन द रो लेवल एरिया यू वॉन्ट सी एनी, यानी आप अगर जब पिवट टेबल बनाते हो तो आपने सिर्फ और सिर्फ रो लेवल, यानी जो रो लेवल एरिया है वहां पर एक ही फील्ड लिया है, सिर्फ एक, तो वहां पर कौन सा है आपको नहीं दिखेगा, सिंपल सा है, चार्ट नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि चार्ट एक सेपरेट चीज है जो पिवट टेबल से मैच ही नहीं कर रही, खुश हो सकते थे। बाकी ऑप्शन के साथ आप जा वोल्ट एरिया ये सारी चीज आप, क्योंकि एक क्वेश्चन और है जो जस्ट इसी का डिटेल है, तो आप उस क्वेश्चन में फंस जाओगे। जब आपने ये क्वेश्चन आसानी से कर दिया उसमें फंसना कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को सबसे आसान तरीका यही था कि एक बार पिवट टेबल मैंने आपको बनाना बताई थी, आपको बनाना देखना चाहिए था। चार फिल्टर्स आते हैं, आपने देखा था चार फिल्टर्स, उनका यूज करोगे समझ में आ जाएगा, कॉलम्स, रो और आपका फिल्टर, एक और आता है वैल्यू, ठीक है। चारों पढ़ लेना, चारों आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट, अंडू का ऑपरेशन किससे होता है, सबको पता है कंट्रोल जेड से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? डैश ऑफ वेबसाइट एंश्योर द कंप्यूटर विजिटिंग द वेबसाइट दैट इज द वेबसाइट लैंग्वेज फीचर्स ऑफ प्रॉपर सिक्योरिटी, प्रॉपर सिक्योरिटी का डिफाइन करनी प्रॉपर किसी वेबसाइट की, तो डिजिटल सर्टिफिकेट का काम होता है। याद रखना, अगर सिक्योरिटी की बात की जाए, सिक्योरिटी वो भी वेबसाइट की, तो डिजिटल या सर्टिफिकेट ही लगाना, ठीक है, जब भी आए आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाइनमेंट एक्सपेंड अ पैराग्राफ टू फिल द गैप बिटवीन लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, यानी कौन सा अलाइनमेंट है जो आपके
पैराग्राफ का लेफ्ट और राइट दोनों मार्जिन को एक्सपेंड कर देता है। आपको पता है सेंटर में लेफ्ट और राइट दोनों का छूट जाता है, राइट में आपका लेफ्ट का छूट जाता है, लेफ्ट में राइट का। जस्टिफाई एक ऐसा अलाइनमेंट है जो आपके मार्जिन के लेफ्ट और राइट दोनों के जो मार्जिन का गैप होता है उसको फिलफिल करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्या है, विच इज व्हाट इज द नोट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट भीम, यानी अगर भीम को स्टार्ट करना है तो कौन सा चीजें जरूरी नहीं है। एक स्मार्टफोन जरूरी है, अगर सभी को पता है कोई ऐप चलाना स्मार्टफोन तो जरूरी है। और भीम आपको पता है भीम क्या होता है, भीम एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, पेमेंट गेटवे है, सबको पता है। तो पेमेंट की बात की जाए बैंक अकाउंट होना जरूरी है, एक नंबर होना जरूरी है, लेकिन क्रेडिट कार्ड कोई जरूरी नहीं, डेबिट कार्ड की जरूरत पड़ती है। किसकी, डेबिट कार्ड की जरूरत पड़ती है, ना कि क्रेडिट कार्ड की। जिन लोगों ने लेक्चर को लाइक नहीं कर दिया है लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगता है आप लोग लाइक कर देते हैं। तो देखो रिंकू, आपको लिसन करना है, लिसन करना है, इसीलिए मैं ये सॉल्यूशन लेके आऊं। बाकी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो मुझे बता दीजिए, इसीलिए मैं कहीं ना कहीं, देखो सब लोगों ने क्वेश्चन देख रखे हैं, सब लोगों को क्वेश्चंस को आंसर पता है, बस जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका है वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। बाकी मुझे इतनी ज्यादा जल्दी नहीं है, मैं प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूं, अगर आप अच्छे तरीके से सुनोगे तो समझ में आएगा। ऐसा कोई मैं फास्ट नहीं जा रहा, लेकिन जिस क्वेश्चन में लग रहा है मैं उसको पक्का, क्योंकि ये पेपर मैंने आपको इसीलिए मैं स्लोली आपको देता आधे क्वेश्चन पर टाइम, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं दिया है क्योंकि ये टेस्ट आप दे चुके हो, आपके मार्क्स भी आ चुके हैं, आपने पेपर के हर क्वेश्चन के आंसर देख रखे हैं कि आपने कौन सा क्वेश्चन सही किया कौन सा गलत किया। तो ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्वेश्चन आपने देखे तो क्वेश्चन पढ़ा सब नहीं है, बस क्वेश्चन का सर ने उसको अटेम कैसे किया वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसीलिए अदरवाइज मैं टाइम ज्यादा लूंगा तो आप खुद काफी स्टूडेंट कमेंट ऐसे करेंगे सर पेपर तो 75 मिनट में करना है, आपने तो 2 घंटे लगा लिए। समझ सकते हो आप इस चीज को। ठीक है, चलिए क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यूनिक्स होता है, लाइनक्स होता है, विंडोज होता है, लेकिन एमएस वर्ड नहीं होता, सबको पता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन यू वांट टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स, जब रन डायलॉग बॉक्स हमें ओपन करना है कौन सी की है, सबको पता है विंडो आर होते हैं। ठीक है, विंडो आर से क्या होता है, फाइंड होता है, मोस्टली कैसे फाइंड होगा या सर्च होगा। विंडो ई से विंडो एक्सप्लोरर होता है, विंडो एक्सप्लोरर ध्यान रखना इस चीज को, क्वेश्चन आ सकता है विंडो एक्सप्लोरर पर। ठीक है, और F1 का यूज हमेशा हेल्प के लिए होता है, F1 का यूज हमेशा हेल्प के लिए होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, यस, यानी जो नक्षत्र डायग्राम होता है आपने देखा होगा, कॉन्स्टेलेशन डायग्राम देखा है कि नहीं देखा, उसमें हमेशा, इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं, अच्छा आयाम और चरण दो ही दिखते हैं, ना तो फ्रीक्वेंसी दिखती है, फ्रीक्वेंसी किसी में नहीं दिखती, फ्रीक्वेंसी नहीं होती, फ्रीक्वेंसी आप नहीं देख, फ्रीक्वेंसी आपका जो डिजिटल पिक्चर्स होती हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी नहीं देखी, फ्रीक्वेंसी का मतलब है घटना बढ़ना, ऐसे बढ़ना, लेकिन जो आपके डायग्राम होते हैं इसमें डायग्राम में नहीं दिखता। ठीक है, ये डिफाइन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 के साथ आप सोच, ये क्वेश्चन सबके लिए नया था, ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन अटेम किया है आपके लिए नया है, जितने स्टूडेंट बैठे हैं सब ने क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये नहीं पढ़ा होगा। क्यों, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जानबूझ के रखे जाते हैं जिनमें क्वेश्चन स्टूडेंट फंसे, उनमें नहीं फंसना, उन क्वेश्चन को सेकेंड साइकिल में रखना है, उनको बढ़िया सोच समझ के आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 29, टू मेक अ वॉइस चैट, आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ वॉइस चैट करना चाहते हैं, आपके कंप्यूटर में किस चीज को इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी। एंटीवायरस, एंटीवायरस का चैट से कोई संबंध नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसका भी कोई संबंध नहीं है, इंटरनेट टेलीफोन का भी कोई संबंध नहीं है, गूगल टॉक का संबंध है जरूर। ठीक है, चलिए, टू इम्प्रूव योर इंटरनेट ब्राउजर परफॉर्मेंस, यानी अगर हमें अपने ब्राउजर की परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो क्या काम करना चाहिए। पहला ऑप्शन है डू नॉट मल्टीपल टैब्स, ज्यादातर टैब नहीं खोलने चाहिए,
ब्राउज़र की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। गलत तरीका है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, चेंज द वायर्ड कनेक्शन टू वाईफाई, अपने वायर कनेक्शन को वाईफाई में चेंज करिए, यह भी तरीका नहीं है। इंस्टॉल अनदर ब्राउज़र, क्या अनदर ब्राउज़र की आपको ज़रूरत है? क्या आपका मोबाइल प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा? तो ज़रूरी थोड़ी दूसरा मोबाइल नहीं, उसी मोबाइल के अंदर जितने भी टेम्पररी फाइल्स हैं उन्हें हमें क्लियर कर देना है, ठीक है? यही तरीका है, आप लोग करते होंगे जनरली यूज। क्वेश्चन नंबर 31 इन वीडियो के संबंध में पूछा है, द क्लाइंट इज अवेलेबल टू वॉच वीडियो व्हाइल इट्स बी डाउनलोडेड। जब वीडियो डाउनलोडेड होती है तो कौन सी कंडीशन है जहां पर आप वो क्लाइंट है वीडियो को वॉच कर सकता है? सबको पता है डाउनलोडिंग, दो ऑप्शन आप देख सकते हो इंटरनेट से, वीडियो से रिलेटेड दो ऑप्शन आपने पढ़े थे, तो ऑटोमेटिक दो के साथ आप मत जाओ, जो नहीं पढ़ा उसके साथ मत जाओ, जो पढ़ा है उसी के साथ सोचो कि क्या इसका आंसर इसमें से हो सकता है। क्या डाउनलोडिंग होते समय आप वीडियो को वॉच ये सारी चीजें कर सकते हो? पॉसिबल नहीं है। स्ट्रीमिंग के साथ कर सकते हो, ठीक है? स्ट्रीमिंग के, हाँ, डाउनलोडिंग अपलोडिंग दोनों यूज मैंने पढ़ाए थे। क्या होता है डाउनलोडिंग? यानी क्लाइंट से सर्वर पर जाना, क्लाइंट से सर्वर पर आपका अपलोडिंग, और सर्वर से क्लाइंट पर आना डाउनलोडिंग होता है, ठीक है? यहां पे कुछ ऐसी बात बोली नहीं जा रही, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? 32 इन अ ग्रुप बार पैराग्राफ, बार पैराग्राफ में ग्रुप की बात की जा रही है। ग्रुप क्या है? ग्रुप, चलिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। ईच कैटेगरी हैज एग्जैक्टली 3 बार, यानी हर कैटेगरी में 3 बार हो सकती है, 3 बार संभव है। ईच कैटेगरी हैज 2 या मोर बार, हर कैटेगरी में 2 या 2 से अधिक बार हो सकते हैं। ईच कैटेगरी हैज इनफाइनाइट बार, यानी हर कैटेगरी में कितने भी बार हो सकते हैं। ईच कैटेगरी है एग्जैक्टली 2 बार, तो इसका जो करेक्ट आंसर, जब आप ग्रुप और वार बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं वार चार्ट का, तो वहां पर हर कैटेगरी के अंदर 2 या 2 से अधिक, 2 होने चाहिए या फिर 2 से अधिक हो। आपको भी पता है जब भी ग्रुप की बात की जाए तो ग्रुप में 2 तो कंपलसरी है, 2 कंपलसरी है, तो ग्रुप टर्म से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते थे। ग्रुप का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ा किसको जाता है? 2 डिवाइस को, ठीक है? ज्यादा हो सकती है लेकिन 2 तो मिनिमम है ही। क्वेश्चन नंबर 33 इफ यू पाइवट टेबल हैज ओनली रो डेटा, हाँ क्या दिखता है? जस्ट उसी का रेफरेंस है। क्या दिखता है? तो रो सब टोटल्स दिखता है, चार्ट आपका नहीं दिखता, बाकी भी दिखते हैं, लेकिन जब आप सिंगल रो फील्ड का सिलेक्शन करोगे तो वहां पर रो सब टोटल्स दिखेगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इमेज हिस्टोग्राम, इमेज जो हिस्टोग्राम होता है वो क्या शो करता है? अब इमेज हिस्टोग्राम काफी स्टूडेंट ने तो देखा ही नहीं होगा, सुना तो बहुत दूर की बात है। अब इमेज जो हिस्टोग्राम होता है, अगर मैं लाइव एग्जांपल बताऊं आपको, तो लाइव एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट ने फोटोशॉप का यूज किया है, अगर किसी स्टूडेंट ने फोटोशॉप का यूज किया है, तो फोटोशॉप में जब आप कलर्स या फिर ब्लूट्स इन सब का यूज करते हो ना, तो वहां पर एक लाइन एसओ एरो लाइन होती है जहां से आप कलर ब्राइटनेस ये सारी चीजें बढ़ाते हैं, तो उस इमेज को बोलते हैं इमेज हिस्टोग्राम। और इमेज हिस्टोग्राम में हमेशा पिक्सल्स भी होते हैं। क्या होते हैं? पिक्सल्स होते हैं, ठीक है? बाकी साइज से कोई मतलब नहीं है, नंबर ऑफ रो कितनी है इमेज में ये तो कोई मतलब ही नहीं करेगा, फ्रीक्वेंसी क्या है, बात आप खुद समझ सकते थे कि इमेज का संबंध हमेशा पिक्सल से होगा। किससे होगा? पिक्सल से, जब भी डिजिटल इमेज की बात की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? 35 डैश इज अ मीडिया वीडियो लिसनिंग टू ऑडियो क्लाइंट विदाउट एक्चुअली डाउनलोडिंग टू मीडिया। सेम क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, यानी अगर हमें कोई वीडियो ऑडियो लिसन करना है विदाउट एक्चुअली डाउनलोडिंग, बिना डाउनलोडिंग के, तो हम क्या करेंगे? उसे अपलोडिंग करेंगे, डाउनलोडिंग करेंगे, ब्राउजिंग करेंगे। आपको पता है आप अपलोडिंग के साथ नहीं जाओगे, डाउनलोडिंग के साथ नहीं जाओगे, क्यों? क्योंकि ना तो सर्वर से क्लाइंट कंप्यूटर और ना क्लाइंट कंप्यूटर से सर्वर कंप्यूटर, दोनों की बात नहीं की जा रही, जस्ट उसको कहीं ना कहीं स्ट्रीमिंग या फिर जस्ट लाइक अ वॉच करने की बात की जा रही है।
ब्राउजिंग होता है आपको जब हम किसी चीज को सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, ब्राउज करना, जैसे आपने गूगल में टाइप किया तो वहां पे आप ब्राउजिंग कर रहे हो, पर्टिकुलर कोई वेबसाइट पर पहुंचे, लेकिन आप लिसन कर रहे हो, पहुंचने के बाद जब आप देख रहे हो तो वहां पे स्ट्रीमिंग ही होगा, ना कि क्या होगा बाकी टर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लूजिंग ये मैंने क्वेश्चन नंबर अगस्त, सेम क्वेश्चन था, अगस्त में आया था, सबको पता है लूजिंग जो कॉम्प्रेंशन इज अ कॉम्प्रेंशन टेक्निक, कौन सी टेक्निक में आती है लूजिंग, यानी लूजिंग का मतलब है किसी चीज को नष्ट कर देना। ठीक है, तो दो ही यहाँ पे ऑप्शन बनते, या तो वो रिवर्सेबल होती या फिर इररिवर्सेबल। लूजिंग कर रहे हो, किसी चीज को नष्ट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, उसे वापस नहीं किया जा सकता। लूज का मतलब समझ लो, यानी हानिपूर्ण संपीड़न, हानिपूर्ण यहाँ पे क्लियरली लिखा था, किसी चीज को आपको नुकसान हो रहा है। नुकसान का मतलब है, यहाँ पे दो ही ऑप्शन निकलते जहां से आप सोच सकते थे, क्या हम इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं, वापस प्राप्त कर सकते हैं, जैसे केमिकल और फिजिकल होता है फिजिक्स में, केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन। आप सोच सकते हो कि अगर किसी को वापस किया जा सकता है तो लूजिंग कॉम्प्रिहेंशन तो है ही नहीं, तो रिवर्सेबल नहीं लगा सकते, लेकिन इररिवर्सेबल, उसको वापस नहीं किया जा सकता जब भी उसका हानिपूर्ण का कार्य बोला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, विच बोर्ड इज यूज टू अटैचिंग ओल्ड प्रिंटर्स, जितने भी प्रिंटर्स हैं पुराने उनको लिए पोर्ट कौन सा यूज होता है, सबने पढ़ा है पैरेलल पोर्ट होता है, कौन सा पैरेलल पोर्ट, बाकी तीन, दो में से कोई पोर्ट नहीं है, सिर्फ एक ही पोर्ट है, सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट, दोनों के साथ जा सकते थे, लेकिन पैरेलल पोर्ट आप सभी को पता है कि इसे हम प्रिंटर पोर्ट भी बोलते हैं। मैंने आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी प्रिंटर की, वहां पे स्पष्टली लिखा था कि पर्टिकुलर डिवाइसेस को कनेक्ट करने या प्रिंटर को कनेक्ट करने का जो पोर्ट होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 38 बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन था, विच फाइल फॉर्मेट इज यूज टू सेव ओपन ऑफिस प्रेजेंटेशन। अब अभी तक आपने ओपन ऑफिस कैल्क पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कैल्क पढ़ा था, यहां पर प्रेजेंटेशन की बात आ गई, लेकिन मैंने आपको बताया भी था कि ओपन ऑफिस का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो ODF होता है, क्या ODF होता है। ठीक है, और बाकी जब मैंने MS ऑफिस का लेक्चर लिया था वहां पर क्लियरली बोला था कि जब, क्योंकि अगर हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपका राइटर होता है ओपन ऑफिस में। ठीक है, और अगर हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम की बात करें तो कैल्क होता है, और प्रेजेंटेशन के लिए आपने पढ़ा था प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब राइटर, मैंने आपको बताया था राइटर की W, कैल्क के लिए S और प्रेजेंटेशन के लिए P, तो यहां पे देख सकते ODP। हाँ, इसके अलावा SDD भी एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम का फाइल एक्सटेंशन होता है, लेकिन ये स्टार ऑफिस होता है उसका होता है। ठीक है, SDW के साथ राइटर का होता है, वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम का, और SDT ये टेम्पलेट्स फाइल का होता है, T4 टेम्पलेट्स आएगा, T4 क्या होगा, टेम्पलेट्स, ध्यान रखना, ये ध्यान है, बिल्कुल बेसिक चीजें, इसीलिए मैं आपको बार बार फोर्स करता हूँ कि सारे जो जितने फाइल एक्सटेंशन है याद नहीं है, लेकिन उनके जो शॉर्ट मेथड है वो पॉसिबल है याद करना, कैसे, T4 टेम्पलेट्स, M4 मैक्रोज, W4 आपका क्या होता है राइटर, एस फॉर स्प्रेडशीट, पी फॉर प्रेजेंटेशन, यहां से एडमिट कर सकते थे, लेकिन ODF आपने पढ़ा है, जितने भी माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम है आपके, जितने भी सॉरी ओपन ऑफिस प्रोग्राम है उनका डिफॉल्ट रूप से जो होता है जो फाइल फॉर्मेट वो ODF होता है, लेकिन जब राइटर में चले जाते हैं तो ODW हो जाता है, ODS हो जाता है, ODP ये हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, what should be the बेसिक क्राइटेरियन फॉर द फाइल नेम, यानी जब हम फाइल नेम का फाइल का नेम फिक्स करते हैं तो कौन सा क्राइटेरिया जो बिल्कुल बेसिक है, जो कंपलसरी है जब हम किसी पर्टिकुलर फाइल का नेम लिखते हैं। पहला है यूजिंग द अपर केस, क्या किसी पर्टिकुलर फाइल के नेम में अपर केस यूज करना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, लोअर, जब अपर केस जरूरी नहीं है तो लोअर केस भी जरूरी नहीं, आप स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिखो चलेगा, लेकिन इट शुड बी डिस्क्रिप्टिव, ये उसकी मतलब जस्ट लाइक अ डिस्क्रिप्टिव का मतलब है उसे पूरी तरीके से डिस्क्राइब करें, ये भी कंपलसरी नहीं है।
हम प्रेजेंटेशन की फाइल बना रहे हैं, उसे वर्ड का नाम लिखे, कोई भी नाम लिखे चलेगा, लेकिन एक जरूरी है यूज द डेट्स फाइल नेम ऑफ फाइल का नेम, सॉरी यस हाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड भी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि डेट्स जरूरी नहीं है, डेट्स हाँ इट शुड बी डिस्क्रिप्टिव होनी, डिस्क्रिप्टिव का मतलब है ये कहीं ना कहीं आपका डिस्क्राइब करे, डिस्क्राइब का मतलब ये है आप अपनी तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं। हाँ मैं देखा नहीं सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन के देखो डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये आप यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन वो आपने तो डिस्क्राइब किया, आप खुद ने ही तो किया है, कंप्यूटर के लैंग्वेज में कुछ भी रखे कोई चलेगा ठीक है, लेकिन डेट नहीं होगा ना अपर केस लोअर केस कुछ भी नहीं होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर। सेकंड क्यों नहीं होगा ये मैंने आपको बता दिया ठीक है, क्योंकि डेट्स जरूरी नहीं है, आप इसमें फिल करो नाइन में ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, ये कॉम्बिनेशन यानी टेक्स्ट ग्राफिक ऑडियो वीडियो एनिमेशन ये किसकी कॉम्बिनेशन है, सबको पता है मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया के पांच ऑब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से, टेक्स्ट ग्राफिक ऑडियो वीडियो और एनिमेशन ठीक है, बताया था मैंने क्वेश्चन नंबर 41 सबके लिए नया था, सबके लिए नया था, लेकिन कर कैसे सकते थे, कर कैसे सकते थे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपने टच स्क्रीन से संबंधित पढ़ा था, दो टाइप की टेक्नोलॉजी थी, एक कैपेसिटिव थी और रेसिस्टिव थी, दोनों पढ़ी थी, यानी ना तो ऑप्शन नंबर ए होगा ना ही ऑप्शन नंबर फोर होगा, क्यों, क्योंकि दोनों टेक्नोलॉजी हमने क्वेश्चन में पढ़ी है, अब दो ऑप्शन में फंस गए, दो ऑप्शन में डिजिटल, हाँ डिजिटल कोई आप सोच सकते हो डिजिटल जस्ट लाइक जितने भी आपके डिवाइसेस हैं, चाहे तो टीवी ले लो आपका मोबाइल ले लो, सारे डिवाइस हम डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं थ्री के साथ आप नोट की बात की जा रही है, किसकी, नोट की बात की जा रही है, नोट अगर यहाँ पे बोला जाता कौन सी टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी है तब आप फंस सकते थे ठीक है, समझ गए कि कैसे क्वेश्चन को अटेम करना था, दो टेक्नोलॉजी आप पढ़ चुके हो, तीसरी कैसे एलिमिनेट करनी है, डिजिटल सभी के लिए यूज किया जाता है ना कि अकेला टच स्क्रीन के लिए ठीक है, तो टच स्क्रीन की टेक्नोलॉजी होती है पांच, सर्च कर लेना गूगल पे ठीक है, मैं यहाँ पे भी लिखा सकता था लेकिन आप सर्च करोगे तो ज्यादा समय तक आपको याद रहेगा ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 एंड्रॉइड ऑप्शन ऑप्शन इज अवेलेबल विच ऑफ द टैब, किस टैब में अवेलेबल होता है, सबको पता है फॉर्मेट टैब है होता ही नहीं है, टेबल टैब नहीं होता, सिर्फ दो टैब होती हैं आपके एमएस वर्ड में, एक तो रेफरेंसेस और दूसरा इंसर्ट, आप खुद ही सोच सकते थे कि दो टैब नहीं है, दो बचे, खुद सोचो कि किस में लगा सकते हो, 50% तो कर लिया ना, 50% सॉल्व कर लिया आपने, क्यों, थोड़ा सा पढ़ा था, अब कंफ्यूजन हो रहा है खुद ही सेलेक्ट कर लो, लेकिन दोनों में जा सकते हो आप, क्यों, क्योंकि एंड नोट इंसर्ट होता है और इंसर्ट टैब में जितनी कमांड है कहीं ना कहीं वो इंसर्ट ही होती है, लेकिन लॉजिक है रेफरेंसेस टैब में हमने कुछ ही चीजें पढ़ी थी, एक तो एंड नोट फुट नोट पढ़ा है, टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ा है, कैप्शंस पढ़ा है, साइटेशंस पढ़ा है और टेबल ऑफ अथॉरिटी पढ़ी है, इतनी सारी चीजें हैं, बस इनका नेम याद रखना, ऑटोमेटिक इंसर्ट और रेफरेंस में आपका कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, सबको पता है आउटपुट डिवाइस क्या है, क्या है, स्पीकर है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, लेकिन आपके लिए एक नया था, जब भी आपको लगे दो ऑप्शन, आपको आउटपुट नहीं पता इनपुट तो पता है, इनपुट में जॉयस्टिक और माइक्रोफोन दो के साथ जा सकते हैं, दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, अब दो ही बचा, एक स्टाइलस और स्पीकर, मैंने बोला हमेशा आपसे बोला है और हमेशा बोलता रहूंगा कि अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है ना तो ज्यादातर केस में दो ऑप्शन हटा जाओगे आप, पक्का हटा दोगे, दो ऑप्शन में फंस जाओगे, और दूसरा ऑप्शन कब हटाओगे, जब आपने थोड़ा सा और पढ़ा है, यानी नहीं पढ़ा है तब भी आप 50% तक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 इज अ फ्लैश मेमोरी इज कॉल्ड, यानी जो फ्लैश मेमोरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वोलाटाइल, मैग्नेटिक, टेरिटरी या फिर प्राइमरी, अब बता दीजिए क्या होगा, खुद ही बता दीजिए, प्राइमरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डेटा हम कुछ ही समय के लिए होल्ड करते हैं, बाकी
कुछ समय के बाद इरेज हो जाता है। यानी टेम्परेरी रूप से अगर डेटा सेव करना है तो प्राइमरी मेमोरी है, और प्राइमरी मेमोरी का ही दूसरा नाम है वोलाटाइल मेमोरी। तो दोनों ऑप्शन आपने हटा दिए ना, बचे आपके पास दो ऑप्शन, जो फ्लैश मेमोरी होती है, जो फ्लैश समझ सकते हो, जो पेन ड्राइव हो गया, ठीक है ना, इनमें डेटा RW जिसे बोला ना रीराइटेबल, जिसे हम लिख भी सकते हैं और बाद में इरेज भी कर सकते हैं। क्या वो फ्लैश मेमोरी मैग्नेटिक मेमोरी, जरूरी नहीं वो मैग्नेटिक से बनी हो, ये तो डिफाइन ही नहीं है। हाँ, टेरिटरी के साथ जा सकते थे आप, क्योंकि नया है, फ्लैश भी मेमोरी नहीं है और टेरिटरी मेमोरी भी नहीं है, दोनों को मैच कर दो, ठीक है ना, दोनों को मैच कर दो जो नया है। क्योंकि देखो, जब भी क्वेश्चन नया आए उसको पहले तो जितने ऑप्शन आपने पढ़े हैं उनको देखना, क्या उनके साथ वो मैच कर रही है नहीं कर रही, क्योंकि पक्का है आप इनमें तू मैं नहीं कर सकते कि प्राइमरी और वोलेटाइल दोनों सेम है, और फ्लैश मेमोरी में जो डेटा होता है परमानेंटली स्टोर होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों टर्म तो नहीं, क्योंकि दोनों टर्म का मतलब एक है, अगर इनमें से कोई होगा तो दूसरा भी होगा, तो दोनों से हटा दो, बाकी दो ही बचे, दो के साथ जिसकी मर्जी हो उसके साथ चले जाओ, लेकिन मैग्नेटिक मेमोरी आपने पढ़ी है, जो मैग्नेटिक डिवाइस से बनी होती है वो तो आपने पढ़ी है, फ्लैश में ऐसा कुछ हमने फ्लैश में पढ़ा नहीं, नया हो सकता है, नया ऑप्शन है, लगा दो, ज्यादातर केस में लगा देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर क्या है, एक पीसी है, वेब ब्राउजर है, ड्राइव है, या फिर फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन इन विंडोज, यानी विंडोज में फाइल को मैनेज अरेंज सारी चीजें करने का काम किसका है, विंडो एक्सप्लोरर का है। विंडो एक्सप्लोरर की शॉर्टकट की है विंडो ई, ठीक है, मैंने बताया था, क्वेश्चन आया था, विंडो ई से विंडो एक्सप्लोरर होता है। विंडो एक्सप्लोरर जब आप डब्ल्यू ई प्रेस करते हो तो आपका ऐसे आपका डैशबोर्ड ओपन हो के आता है, यहाँ पर सारी ड्राइव्स होती हैं। यहाँ पर एक चीज और रखना, जो फोल्डर्स का ट्री फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है वो भी आपका विंडो एक्सप्लोरर का काम, ट्री फॉर्म समझते हो, यानी रूट से रूट जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, अ काइंड ऑफ सीरियल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दैट फॉर्म कैरेक्टर विद मैग्नेटिकली चार्ज इंक स्प्रे डॉट्स इज कॉल्ड, यानी जो इंक है वो डॉट के रूप में स्प्रे की जा रही है, जो एक डॉट मैट्रिक का एक टाइप है। लेजर लगाओगे इसका आंसर बता दो आप, लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का यानी डॉट मैट्रिक के प्रिंटर की जो कैटेगरी है उसमें आता है, डॉट मैट्रिक समझ सकते हो, दो टाइप की हमने प्रिंटर की कैटेगरी पढ़ी है, कौन कौन सी, एक तो पढ़ी है इंपैक्ट, क्या कौन सी पढ़ी है, इंपैक्ट, और दूसरी पढ़ी है नॉन इंपैक्ट, दूसरी पढ़ी है नॉन इंपैक्ट, समझ गए। अब नॉन जो इंपैक्ट कैटेगरी है वो एज अ टाइप राइडर काम करता है, और नॉन इंपैक्ट आपका लेजर टेक्नोलॉजी पे काम करता है। लेकिन अगर आपने इंक स्प्रे की बात की जा रही है तो एक एक कैरेक्टर की तरह वो इंक है वो डॉट के रूप में स्प्रे होता है लेजर इंक जेट प्रिंटर में, एक एक डॉट के रूप में। अब यहां पे देखो, बाकी प्रिंटर के साथ आप जा सकते थे, आपने एक ही क्वेश्चन एलिमिनेट कर पाया, वो भी ऑप्शन नंबर डी, लेकिन अब आप ड्रम चैन इंकजेट में कैसे डिफाइन करते, क्यों, क्योंकि डॉट मैट्रिक प्रिंटर है वो ऐसा, यानी सिंगल टाइम में एक ही कैरेक्टर प्रिंट होता है, तो ऐसा ही काम होता है इंकजेट प्रिंटर में, तो क्योंकि यहां पर इंक की बात की जा रही है वो भी स्प्रे डॉट्स के रूप में प्रिंट हो रहा है। दो टाइप के क्वेश्चन और आए हैं आपके इंकजेट प्रिंटर पे, वो भी मैंने कराए थे आपको, जब प्रिंटर की क्लास ली थी वहां पे मैंने समझाया था कि जब या तो इंक को स्प्रे से बल्ब के फॉर्म में, यानी सॉरी बुलबुले के फॉर्म में किया जाए स्प्रे, या फिर डॉट के रूप में किया जाए, तो वो इंकजेट के अंदर आता है। यहाँ पर इंक जेट को डॉट मैट्रिक्स से रिलेट इसीलिए किया गया है क्योंकि दोनों का काम एक जैसा है,
दोनों का काम एक जैसा है एज अ टाइप राइटर, क्योंकि सिंगल टाइम में सिंगल कैरेक्टर ही प्रिंट होता है लेकिन इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इसलिए नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी में रखा जाता है इम्पैक्ट जो इंकजेट प्रिंटर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। यस, नेक्स्ट है रेफर्स टू फिजिकल डिवाइसेस यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम और डेटा टेम्पररी बेसिस, यानी हमें अपने प्रोग्राम या डेटा को टेम्पररी बेसिस पे स्टोर करना है, क्या होगा? सभी को पता है प्राइमरी मेमोरी डेटा प्रोग्राम दोनों को हटा सकते हो, हार्ड डिस्क में क्या होगा डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है, क्या होता है परमानेंटली स्टोर होता है ना कि टेम्पररी रूप से, कुछ जा सकते थे टेम्पररी रूप की बात की जा रही है, प्राइमरी रोम कैश इन सब में जाएगा। ठीक है, रोम नहीं रैम, ठीक है ध्यान रखना रैम, रोम में तो परमानेंटली होता है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, यू वांट टू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ओवर द नेटवर्क रेफरेंसिंग द गिवन सिनेरियो आइडेंटिफाई द कार्ड्स विल यू, यानी अगर आपको कनेक्शन क्रिएट करना है, कनेक्शन यानी नेटवर्क क्रिएट करना है तो कौन सा कार्ड का यूज करते हो, सबको पता है एनआईसी, क्या होता है एनआईसी कार्ड होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जब भी कनेक्शन करना है वीजीए वीडियो से रिलेटेड है, साउंड ऑडियो से है, दो कार्ड बचे। वीडियो की बात की जाएगी वीडियो ग्राफिक एरे, साउंड की बात की जाएगी साउंड कार्ड, दो ऑप्शन एक्सपेंशन कार्ड वो कार्ड होते हैं जितने भी कार्ड्स लगाए जाते हैं, जितने भी कार्ड्स कनेक्ट किए जाते हैं सब एक्सपेंशन कार्ड में ही आते हैं। ठीक है, कैसे आप दो ऑप्शन एलिमिनेट करो ये देख लीजिएगा, हर क्वेश्चन में 50% क्वेश्चन चाहे तो नया हो चाहे पुराना हो, दो ऑप्शन आप आराम से हटा रहे हो, यहां पे भी हटाए हमने क्योंकि यहां पे कनेक्शन की बात की जा रही है वो भी इंटरनेट कनेक्शन, तो साउंड और वीजीए क्योंकि ये होगा वीडियो ये बस ऑडियो के लिए, बचे दो लगा दो, आगे पढ़ा तो एनआईसी लगा हो गया। क्वेश्चन नंबर 49, इफ योर यूजर अटेम्प्ट टू एक्सेस एन एरिया ऑफ अ सिस्टम यानी सिस्टम का वो कौन सा एरिया है जहां पर आपको एक्सेस करने की परमिशन नहीं है फिर भी आप एक्सेस कर रहे हो, तो उस एक्सेस को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, ऑथेंटिक लेजिटिमेटिंग मिट और अनऑथराइज या फिर ऑथराइज, सबको पता है अनऑथराइज यानी जहां पर एक्सेस करने की परमिशन ही नहीं है तो अनऑथराइज एक्सेस की बात की जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिक्वायर टू सी वर डेटा इन DOCX फॉर्मेट, यानी जब हमें अपने डेटा को DOC फॉर्मेट, DOC का मतलब समझते हो वर्ड फाइल में सेव करना है तो आपके कंप्यूटर में वो MS वर्ड इंस्टॉल होना जरूरी है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, एन एरिया चार्ट इस एरिया चार्ट किस पे आधारित है, मैंने पढ़ाया था एरिया, देखो कॉलम और बार दोनों सेम होते हैं, कॉलम और बार चार्ट, राडार और स्कैडर XY जिसे हम बोलते हैं XY चार्ट, पाई और डाउनट ये दोनों चार्ट एक जैसे हैं, लाइन और एरिया ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, इनकी डेफिनेशन डिफाइन करती है। क्वेश्चन नंबर 52 सबके लिए नया था तो आपके लिए भी नया है, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्वेश्चन नंबर 4। यस, क्वेश्चन कंप्यूटर के फिनिश हो गए हैं, अब आप बताइए कोई डाउट रह गया है, अदरवाइज नेक्स्ट सेक्शन पर मूव करेंगे। मैंने आपको इस सेक्शन में भी बताया है कि कौन सा क्वेश्चन आप सेकंड साइकिल में रख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर लें, बैंकिंग एंड आईडी जो कार्ड्स हैं वो गवर्नमेंट ने किस जो आईएसओ के कुछ स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं जिनमें सारी चीजें ऑथराइज की जाती हैं, कोई भी चीज आप सर्टिफिकेट करो वहां पे आईएसओ नंबर आता है कि किसकी कैटेगरी में आता है, आपने देखा होगा आईएसओ जनरल हर प्रोडक्ट पे लिख के आता है। ठीक है, वो पर्टिकुलर कंपनी किस आईएसओ स्टैंडर्ड के अंदर काम करती है वो सारी चीजें डिफॉल्ट होती हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए नया था, आप इस क्वेश्चन को फर्स्ट साइकिल में ही कर दो क्योंकि या तो ये बनेगा और अदरवाइज बनेगा ही नहीं, तो लगा दो जो भी आपको लगाना है। चलो क्लियर है, अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को मैं सेकंड साइकिल में करूंगा, इसको मैं स्किप करता हूं, बाद में आते हैं क्योंकि ये टाइम टेकिंग चीज है, बाद में करेंगे मैथ्स और एक बार
मैथ्स के क्वेश्चन भी सेकंड साइकिल में कर लो तो अच्छा रहेगा, बाकी रीजनिंग एक बार जीएस के क्वेश्चन देख लेते हैं। जीएस के क्वेश्चन यस, क्योंकि कंप्यूटर के बाद सीधा जीएस के सेक्शन में आप जाना, कंप्यूटर के बाद सीधा जीएस, आपको आरसी करना है कर लेना आराम से, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जीएस के 6 क्वेश्चन है विद इन 3 मिनट में हो जाएंगे। यस, द टर्म वॉगीस एसोसिएट, वॉगीस किससे रिलेटेड है, सबको पता है गोल्फ से है, ठीक है, गोल्फ से है वॉगीस, देखा है जहां पे जो गोल्फ का स्टंट रखा जाता है, जो बॉल्स होती है, ठीक है, उस रखा जाता है, वॉगीस होता है। इंटरनेशनल रिवर्स सबको पता है कौन सी है, नर्मदा, कावेरी, महानदी। नर्मदा आपको पता है आपकी मध्य प्रदेश की है, महानदी, कावेरी ये साउथ की नदियां हैं, किसकी हैं, साउथ की। ब्रह्मपुत्र जो कि आंध्र प्रदेश में है और कहां से आती है, चाइना से, तो ये इंटरनेशनल रिवर है, ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। यस, ओलंपिक जो मॉडर्न ओलंपिक्स गेम है अभी तक कितनी बार कैंसल्ड हो चुके हैं 2019 तक, तो 3 बार कैंसल हो चुके हैं। अगर टोटल ओलंपिक्स की बात की जाए, टोटल जिसमें आपकी समर भी आ जाएंगे, तो वो टोटल कैंसल हो चुके हैं 5 बार अब तक। ये डेट आप, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं या तो आएंगे या नहीं आएंगे, तो आप एक ही बार में कर दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी पढ़ाई तो ये आप कर पाओगे। सॉल्वे में किस ब्रिटिश जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसने पुर्तगालियों को हराया था, उसमें थॉमस बेस्ट ने हराया था, ठीक है, जीएस का क्वेश्चन है, पढ़ाए तो ठीक है, नहीं पढ़ाए लगा दीजिए तुक्का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट इन इंडिया एस्टिमेट द लार्जेस्ट कोर रिजर्व, लार्जेस्ट कोर रिवर्स का कौन सा प्लेस है, तो वो है झारखंड, ठीक है, झारखंड है, ध्यान रखना। वंस ऑफ वर्ड, पॉइंट ऑफ वर्ड का आंसर है वाविज एंड लाइट्स, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, या तो बनेंगे या नहीं बनेंगे, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे कर लिया है, अब हम जाते हैं मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन की तरफ, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि मैं आरसी को बाद में करना पसंद करूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, द एवरेज ए इज 7 बॉयज सिटिंग इन द रो फेसिंग नॉर्थ साइड, जिनका जो नॉर्थ के साथ फेस करके बैठे हैं 7 पीपल, जिनका जो एवरेज है वो 26 ईयर है, ठीक है। इफ यू हैव, यानी 7 मेंबर बैठे हैं ऐसे, 1, 2, 3, 4, ये 7 हो गए। सेकंड साइकिल में करना इन सारी चीजों को, सेकंड साइकिल स्टार्ट ही हो गई है, तो मैथ्स और रीजनिंग पहले निपटा लेते हैं फिर आरसी पे चलेंगे, ठीक है। ये 7 बैठे हैं, अब 7 में 7ों का जो एवरेज है वो है 26। अब आप देखो मैथ्स और रीजनिंग आप कर लेना, मेरा मेथड सुनो कैसे करते हैं इस वक्त, ठीक है। 7ों का एवरेज है, एज का 26 है, फर्स्ट तरीका है 19, फर्स्ट तरीका है इसका एवरेज है 90 और लास्ट तरीका है 32। अब इस बीच वाले की ईयर पूछिए कि ये कितने ईयर का है। अब बेसिक जो एवरेज का फंडामेंटल है, बेसिक जो फॉर्मूला है क्या है, एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ टोटल नंबर, क्या होता है, सम ऑफ टोटल नंबर और टोटल नंबर, वो टोटल नंबर कितने, यही तो बेसिक फंडामेंटल है। अब अगर यहां पर एवरेज दिया जा रहा है 7 का, 7 का एवरेज है 26, सम ऑफ टोटल नंबर हमें निकालना है, मेंबर है 7, सम ऑफ टोटल नंबर यहां से निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो, 7 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया, यही होता है 7, 35, 7, 4, 4 कैरी और 7, 2 यानी 182 आपका 7 मेंबर्स का जो सम ऑफ टोटल नंबर आ गया, सम ऑफ एज आ गया 7ों मेंबर का, वो कितना आ गया 182 आ गया, ठीक है। अब 3 का क्या है, 19, 3 का 19 है, सम ऑफ 3 नंबर कितना हो जाएगा, यानी तीनों की एज का सम कितना हो जाएगा, पहले का यहाँ पे 19 का कर लो, 19 का आप 3 मल्टीप्लाई कर लो, 19 मतलब 57 होता है, और इसका भी सम ऑफ लास्ट के 3 है, क्योंकि टोटल जब सम, पहले देखो 7 मेंबर्स का सम दिया है और 6 मेंबर्स का सम है, तो यानी जो बचेगा वो 7 नंबर्स मेंबर है, जो हमारा जो बीच वाला है उसी का मिलेगा, तो लास्ट के 3 का सम निकाल लो एक बार, तो लास्ट के 3 का सम निकालोगे तो यहां से 3 का मल्टीप्लाई ये जाएगा 6 हो जाएगा 9, यानी सबको ऐड कर दो, ऐड करने पे क्या आएगा, ये यहाँ पे 3 आ गया, वो कैरी हुआ और ये आपका ये 10 हो गया, 50 माइनस कर दो क्या आएगा, ये 2 हो गया और यहाँ पे 7 यानी 29 एज हो गया,
यानी बेसिक कैसे किया, यानी सम ऑफ, देखो सातों मेंबर का सम पहले निकाल लो, फिर फर्स्ट थ्री का लास्ट थ्री का निकाल लो, क्योंकि यहाँ पहले सात का है फिर सिक्स का है, तो बाकी बचेगा वो सेवन नंबर का ही बचेगा। हाँ, सीरीज ध्यान रखना, सीरीज में जो पैटर्न है, एक ही पैटर्न होता है सीरीज सॉल्व करने का, वो सबसे बेस्ट होता है। गैपिंग, डिफरेंस बिटवीन नंबर्स, यानी नंबर्स के बीच में डिफरेंस निकाल लो, यही सबसे आसान तरीका है और 100% आपकी सीरीज है सॉल्व हो जाएगी। क्या तरीका है, देखो 4 और 200 में डिफरेंस क्या है, 194 का है। 200 और 369 का डिफरेंस क्या है, 169 का है। और यहाँ पर डिफरेंस चेक करो, ये डिफरेंस कितने का है, और ये आपका 4 का है, 14 ये है। और यहाँ पर डिफरेंस, ये डिफरेंस कितने का है, और ये डिफरेंस निकालोगे तो आपका वन टू वन, ठीक है, यही हो गया। यानी डिफरेंस आपने निकाल लिया, अब डिफरेंस में रिलेशन चेक करना है कि डिफरेंस में क्या रिलेशन हो सकता है। अब 94 को देखो, 160 यानी 194, आपने ये नंबर सारे पढ़े हैं, नंबर आप देख पा रहे होंगे, ये 12 का स्क्वायर है, वो 14 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, और ये 11 का स्क्वायर है। यानी जो गैपिंग आ रही है वो स्क्वायर्स की आ रही है, यानी पहले 14 का, फिर 13 का, फिर 12 का, फिर 11 का, तो आगे जो गैपिंग आएगा, आगे जो डिफरेंस आएगा वो 10 का स्क्वायर आएगा। 10 का डिफरेंस स्क्वायर क्या होता है, 100, यानी आगे अगर आप इसमें 100 ऐड कर दोगे, क्योंकि सारे नंबर क्या है, एडिशन, डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है 100 का हम प्लस ही करेंगे, ना कि सबट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द एरिया लार्जेस्ट स्क्वायर इन द इन कर्व्ड सर्कल, यानी सर्कल में सबसे बड़ा एरिया, सबसे बड़ा स्क्वायर बनाए, और सर्कल का रेडियस अगर 12 है तो जो स्क्वायर बना है उसका एरिया क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते थे, दो मेथड से, अब बेसिक है, ऐसा मत सोचना कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आएगा, सबको आ सकता है, दोनों बेसिक, दोनों मेथड को सुनना, ठीक है। देखो पहले तो क्वेश्चन क्या बोला है, यानी एक सर्कल है जिसके अंदर एक स्क्वायर बनाने की बात, सबसे बड़ा स्क्वायर है, यानी सर्कल का जो बाउंड्री है उसको वो स्क्वायर टच करेगा, ये तो कंफर्म है। अब सर्कल का जो रेडियस है, यानी ये यहां से ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये डिस्टेंस बोली जा रही है, ये है 12, ये कितनी है 12 है। अगर डिस्टेंस 12 है तो यहां से ये भी 12 होगी, ये भी 12 है, तो यानी अगर हम स्क्वायर के डायगोनल, जिसे हम बोलते हैं विकर्ण बोलते हैं, आई थिंक विकर्ण, वो आपका 12 और प्लस 12 आपका 24 हो जाएगा, ये अगर 24 है पूरा, ठीक है। लेकिन अब इस क्वेश्चन को आप दो फॉर्म में देख सकते हो, इस क्वेश्चन को आप दो फॉर्म में देख सकते हो, कैसे, एक तरीका है कि आप इसको यहां से देखो, ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। एक तरीका आप ऐसे देख सकते थे कि इसे आप ट्राइंगल फॉर्म में सेव कर सकते थे, ये ट्राइंगल हो गया, ये ट्राइंगल हो गया, अब ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में आप सभी को पता है एक एक थ्योरम लगती है पाइथागोरस, क्या होता है, यानी आपका जो बेस स्क्वायर क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस बेस, और जो आपका परपेंडिकुलर पी स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर, जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है, ये स्क्वायर होता है आपका, जो आपका जो आपका पाइथागोरस है उसका यही फॉर्मूला होता है। यहां से कर सकते थे, देखो इसे अगर एक्स मान लो, इसे एक्स मान लो, क्यों माना, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो अगर हमने ये एक्स माना है तो ये भी एक्स हो जाएगा, ये बेसिक फंडामेंटल है, तो आप यहां से लगा के कर सकते थे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर, यहां से सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, करा देता हूं मैं सॉल्व, आजित कर रहे हैं, तो यहां से हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 स्क्वायर कर लीजिए, नहीं तो 24 को 2 टाइम्स लिख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी स्क्वायर 2x का स्क्वायर इक्वल टू 24 इंटू 24 डिवाइड बाई 12,
ठीक है, डिवाइड बाई 12, अब 12 से ये 2 से 12 कट जाएगा, ये आ गया 12, ठीक है, यानी 24 इंटू 12 आंसर यही आएगा। अब एक्स स्क्वायर क्यों है, क्योंकि आपको भी पता है आपके जो स्क्वायर है उसका एरिया पूछा है, स्क्वायर का एरिया उसका जो साइड होती है उनका स्क्वायर होता है, और एक्स अगर स्क्वायर की साइड है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही आ रहा है तो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड भी हो सकता था, उसे भी देख लीजिए। दूसरा मेथड भी आप इस क्वेश्चन में लगा सकते थे, वो दूसरा मेथड भी एक बार मैं बता देता हूँ क्विकली। देखो मेथड में सारे होते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, वैसे मैंने बता दिया यहाँ पर, आप इस प्रकार से सोच सकते हैं, जो बताया ना, जो बोला है क्वेश्चन में वही करिए। देखो क्या है क्वेश्चन, एक सर्कल है, सर्कल में वो आपका स्क्वायर बना है, एक तरीका ये था, एक तरीका आपका ये आपका डायगोनल हो गया, किसका, स्क्वायर का डायगोनल है। अब स्क्वायर का डायगोनल अगर हमें बात करें, हमें अगर स्क्वायर सबसे पहले हमें साइड निकालें, ये साइड निकालिए, तो वहां पे एक तरीका लगा सकते थे आप, अगर स्क्वायर का डायगोनल आपको पता है, स्क्वायर का डायगोनल पता है और एरिया निकालना है, तो आपको पता है स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है, स्क्वायर का जो एरिया होता है साइड का स्क्वायर होता है, और डायगोनल दिया है, अगर उसका विकर्ण दिया है तो उसकी साइड निकाली जा सकती है, जो कि डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2 प्लस ए। ठीक है, आपको डायगोनल पता है 24 है, यहां से आप ए कैलकुलेट कर सकते हो, ए का मतलब हो गया स्क्वायर की साइड, अगर ए निकाल लिया तो कहीं ना कहीं आप ए नहीं निकाल पा रहे, आप ए निकाल सकते हो ना यहाँ से, यानी ए का मतलब निकल आया 24 डिवाइड बाई अंडर रूट 2, ए निकाल लिया है और स्क्वायर स्क्वायर का जो एरिया है, जो स्क्वायर का एरिया वो ए का स्क्वायर है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 24 डिवाइड बाई 20 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाता है, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाता तो यहाँ से भी 24 इंटू 24 डिवाइड बाई 2 ही आता, ये एक मेथड हो सकता था। तो दोनों मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैथ्स में टाइम लगता है इसीलिए मैं बोलता हूँ इसको आप सेकंड साइकिल में रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कॉन्जुगेटिव नंबर इवन नंबर है, इनका प्रोडक्ट है, यानी एक कॉन्जुगेटिव अगर एक्स है तो दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस 2 और तीसरा हो जाएगा एक्स प्लस 4, क्योंकि कॉन्जुगेटिव है और वो भी इवन नंबर है, इनका प्रोडक्ट हो गया ये, ठीक है। और आगे बोला जा रहा है फर्स्ट और 3 का, फर्स्ट और 3 कौन सा है, फर्स्ट हो गया x और लास्ट का हो गया 3, यानी x प्लस 4, दोनों का प्रोडक्ट दिया है, कौन सा, दोनों का प्रोडक्ट दिया है क्या 252, ठीक है। तो यहां से देखो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, यहां से कैसे करोगे, यानी ये दोनों का वैल्यू ये है, ठीक है, यहां से आप देख सकते हो इन दोनों का वैल्यू आपको दिया है, ये वैल्यू हो गया, तो यहां से ऑटोमेटिक जो सम निकल के आएगा 252 एक्स प्लस 2 का मल्टीप्लाई इक्वल टू हो जाएगा 4032, यहां से सीधा एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई, ये आप सीधा डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करोगे यहां से आंसर निकल के आ जाएगा, आप आंसर निकालोगे तो 80 आई थिंक देख लेना कौन सा आंसर आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 कर लेते हैं। अब देखो यहां पे परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज मोस्टली परसेंटेज केस में क्या करना है, आप जब भी कोई परसेंटेज पूछा जाता है वो पर्टिकुलर 100%, जैसे 609 की बात की जा रही है, 609 एक 100% है, इसका 10% निकालना है तो एक जीरो लगा दो, यानी 660 प्लस 0.9 ये हो गया 10%, और 1% की बात की जाए एक पॉइंट और हो जाओ, यानी 6.09, ठीक है। अब यहाँ से 80% की बात की जा रही है, यानी तो 6.09 में हम 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80% आ जाएगा, प्लस यहाँ पे और इसका भी 1% निकाल लो, इसका 1% निकालेंगे तो 4.5 आ जाएगा, 4.5 1% है तो 27.5 से 4.7 का मल्टीप्लाई कर दो, आसानी से निकाल सकते हो। बेस्ट तरीका क्या है, थोड़ा सा सोचिए, अब सोचोगे कैसे, देखो या 18 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है 6 से, तो 18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, लगभग 20 कर लीजिए, 18 का जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आपका कितना आता है, 100 आपका 20 आता है, 20 आता है, लेकिन 2 माइनस करना है, यानी लगभग 108 से ज्यादा है,
लगभग 108 से ज्यादा मल्टीप्लाई आएगा। यहां पर भी सोचिए, यानी 1% एक का मान ये है 27 का निकालना है, 27.5 का। अब एक का 4.5 है तो 2 का 9 हो जाएगा। अब 2 का 9 है, 27.5 का मतलब है हाफ, हाफ का मतलब है यहां से सोचो हाफ मतलब 13.5 से ज्यादा, यानी 14 लगा सकते हैं। 49 जा आप लगा लीजिए, 49 जा होता है 26, ऐड कर लीजिएगा, अप्रोक्स वैल्यू निकल आएगी। यानी 8 का 4 हो गया और ये होगा 3, यानी 2, यानी 234 के अप्रोक्स वैल्यू सिर्फ एक ही ऑप्शन नंबर 1, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, सम ऑफ 4 नंबर्स के एज का सम है 5 साल पहले 94, यानी 4 मेंबर है एक फैमिली में, 5 साल पहले उनका एज का सम है 94, ठीक है। व्हेन द डॉटर मेज, जब डॉटर की शादी हो जाती है उसके स्थान पे बहू आ जाती है, तो उनका जो सम हो जाता है वो 94 हो जाता है, 92 हो जाता है, ठीक है। अब बात आपको ये बतानी है कि जो बहू आई है और डॉटर है, उनके एज के बीच में डिफरेंस क्या है, उनके एज के बीच में डिफरेंस क्या है प्रेजेंट की। देखो, अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो 4 और 4 मेंबर का जो सम है वो 94 है। अब प्रेजेंट की अगर हम बात करें, प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में 5 साल पहले की है, तो यानी हर मेंबर की 5-5 पड़ेगी, तो 4 पे 5 बढ़ा यानी 20 बढ़ गया। तो अगर हम प्रेजेंट में इन चारों का सम निकालते तो 94+20 हो जाता। ये 20 क्यों बढ़ाया, क्योंकि 4 मेंबर का 5 साल बाद, यानी प्रेजेंट की बात की जा रही है, और 94 था 5 साल पहले, तो 4 5 5 साल चारों पर बढ़ेगा तो 20 बढ़ेगा, तो आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 114 आ जाएगा। अब एक बात बताइए, प्रेजेंट का जो सम है वो जब डॉटर चली गई और बहू आ गई तो वहां पर था 92, होना चाहिए था एक्चुअली में कितना 114, दोनों के बीच में गैपिंग कितना है 22 का, आंसर हो जाएगा 22, यानी गैपिंग यही है। चलिए अब रीजनिंग पोर्शन में जाते हैं। यहां पर देखो, इनमें रिलेशन है, इसी प्रकार आगे रिलेशन निकालना है। क्या रिलेशन हुआ, क्या है, डी डी ए लिखा है, अब डी कैपिटल लिखा, फिर डी ए स्मॉल है, आगे चले तो ए कैपिटल, इस ए को कैपिटल रखा, बाकी डी डी को कैपिटल कर दिया। आर आर बी लिखा है, यानी बी स्मॉल रहेगा, आर कैपिटल हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है, जो नॉटलिस है उसका संबंध अगर फिश से है तो टील का संबंध किससे है, टील का संबंध डक से है। ये जस्ट लाइक जो एनालॉजी वाले क्वेश्चन है उन्हीं का रिलेशन है, ठीक है। डिक्शनरी को ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पक्का आएगा डिक्शनरी देखने का मेथड मैंने आपको बताया है, यानी कैरेक्टर देखना है, कैरेक्टर पहले सब में पी है, यानी पी ओ आर सब में है, तो ये सब में होगा, लेकिन पी ओ आर के बाद एम मिल गए 2, एच मिला, एल मिला। अब देखिए अल्फाबेट में कौन सा आता है, पहले नंबर पे एच आता है फिर एल आता है, यानी पहली पोजिशन ये हो गई, दूसरी हो गई। पूछा कि कौन सी पोजिशन है, पूछिए थर्ड पोजिशन, पूछिए कौन सी, वर्ड विल बी द अरेंज्ड, आई थिंक थर्ड पोजिशन पूछा है, यहाँ पर थर्ड पूछा है, ठीक है, थर्ड पोजिशन, ठीक है। एम एम में कौन सा आएगा, एम आई ये सेम हो गया, एन और एस, एन और एस में पहले कौन सा आता है, एन, ये होता है थर्ड पर, ये 4 है, यानी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 क्या होगा, देखो क्लासरूम, स्कूल और स्टूडेंट, अगर आप इन देखोगे, अब इनको आप कैसे करते, इन क्वेश्चन को करने का तरीका था वेन डायग्राम, कैसे करते वेन डायग्राम, यानी एक स्कूल होता है, उस स्कूल के अंदर क्लासरूम होता है, क्लासरूम के अंदर स्कूल स्टूडेंट होते हैं, यही वेन डायग्राम होता है। अब फैमिली होती है, फैमिली के अंदर सिस्टर होता है, मदर ब्रदर होता है, सिस्टर के ब्रदर तो नहीं होता, पहला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। लीव ट्री ट्रू, अगर ट्री की बात की जाए, ट्री होती है, ट्री के अंदर रूट भी होते हैं, लीव भी होते हैं, यानी पत्तियों और जड़ से कोई संबंध नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, जैसे सिस्टर और ब्रदर था, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। अगर बैट बॉल पिच, पिच अलग है, बॉल अलग है, ये तीनों अलग है, तो ये भी नहीं होगा। बचा एक ही, बॉडी एंड फिंगर, यानी बॉडी होता है, बॉडी के अंदर ही आपके हैंड होते हैं, हैंड के अंदर फिंगर होती है, यही तो है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, एलिफेंट, एलिफेंट का संबंध है हाउजे से,
हौजा बोला जाता है। इसी प्रकार आपका हाउस का संबंध कितना है, हौजा आपने पढ़ा होगा, हौजा होता है मतलब जस्ट जिस पे हम एलिफेंट पे बैठते हैं, जस्ट लाइक अ खटोला टाइप का होता है। इसी प्रकार हाउस में वो होता है आपका सुस्ताने का स्थान, बिल्कुल हिंदी लिखा था मैंने, समझ सकते थे। बाकी ये सारे समय खूर है, सैंडल है और है, ये सारे एलिफेंट या उसी रिलेटेड है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल वेन डायग्राम से होता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये भी आपका क्वेश्चन नंबर, ये भी एनालॉजी से क्वेश्चन है। स्टार एक जो सीरियस होता है वो स्टार होता है, इसमें सिग्नस है वो आपका गैलेक्सी है, ठीक है। चलिए अब वापस आते हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। अब बहुत लोगों ने पूछा था कि सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का तरीका क्या है। वैसे मैंने एक वीडियो बनवा दिया था सर से, क्योंकि बेस्ट था, संदीप सर इसे अच्छा एक्सप्लेन कर सकते थे, सर ने किया, आप लोगों ने देखा, उसको अच्छा प्रेफर भी किया, ठीक है। अब दो तरीके हैं पर्टिकुलर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के, दो तरीके, वो कौन कौन से, देखो पहले फर्स्ट पेज में जिस भी मीडियम में है, चाहे तो आप इंग्लिश से हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट करिए, अगर आप हिंदी से हैं तो हिंदी लैंग्वेज को सेलेक्ट करिए। प्यारी भाषा है हिंदी, हिंदी से समझ लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश से समझ लें। चलिए पहले तो आपको पर्टिकुलर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, दूसरा उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के साथ फर्स्टली क्वेश्चन पढ़ने हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ने, पांचों क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, अकबर ने बीरबल को अपना चित्र बनाने के लिए क्यों कहा, ठीक है। पहला माइंडसेट हो गया, यानी अकबर जो हमारे सम्राट थे उन्होंने बीरबल से खुद का जो इमेज है प्रेजेंट पेंटिंग करने के लिए क्यों बोला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, चित्र की समीक्षा करने की समीक्षा करने के लिए पहले मंत्री ने सबसे महत्वपूर्ण बात की कार्रवाई में, मतलब पहले जो महत्वपूर्ण कार्रवाई हुई तो सबसे पहले क्या बोला, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, यानी जब चित्र को दिखाया मंत्रियों को तो उन्होंने क्या समीक्षा की। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है, यानी मंत्रियों की टिप्पणियों पर सम्राट ने क्या प्रतिक्रिया, यानी जब उन्होंने जो मंत्री थे, जब सम्राट ने वो इमेज मंत्रियों को दी दिखाने, तो उन्होंने जो टिप्पणी की तो उस टिप्पणी के बाद सम्राट ने क्या रिएक्शन किया। समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है क्वेश्चन समझने के बाद। चित्र की त्रुटियां ठीक करने के लिए किसे बुलाया गया, मंत्री को, बेस्ट, समझ सकते हो जब चित्र दिखाया तो यहां से भी आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन क्या बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, यानी कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रियों ने प्रतिक्रिया नहीं की, यानी पांच क्वेश्चन बने, यानी सम्राट ने अपना फिगर क्यों बनवाया, अपनी जो फोटोग्राफी है क्यों बनवाया, और मंत्रियों ने जो फर्स्ट मंत्री था उसने क्या रिएक्शन किया, और रिएक्शन के बाद जो सम्राट थे उन्होंने क्या जवाब दिया, उनके चेहरे पे क्या रिएक्शन आया, और उस फिगर को मतलब दिखाने के लिए किसको बुलाया गया, लास्ट में जो उनके जो मिनिस्टर थे उन्होंने जो रेस्पॉन्स दिया उस इमेज के ऊपर, तो उनमें से कौन सा रेस्पॉन्स नहीं था। पांचों समझ गए, अब पांच के बाद सीधा समथिंग, अब दो मिनट में क्वेश्चन समझ जाओगे, दो मिनट में पांचों क्वेश्चन को पढ़ लोगे, पांचों क्वेश्चन याद रहने चाहिए, जैसे मिले आंसर लगा देना, जैसे मिले आंसर लगा देना। चलिए मैं चलता हूं, यहां पे पढ़ता हूं। सम्राट अकबर अपनी दरियादली और अच्छे स्वभाव, कला के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते हैं, यहां से अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं मिला। उन्होंने कलाकारों को अपनी धार्मिकता प्रतिष्ठा पर वाजू संरक्षण किया। अकबर ने बीरबल के अंदर कलाकार की परीक्षा करने के लिए करना चाहते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से पूछा क्या वो सम्राट का चित्र बना सकते हैं। यहां से डिफाइन हो गया कि अकबर ने बीरबल का जो कलाकार था वो चेक करना चाहिए चाहा, इसीलिए उन्होंने उनको अपना चित्र बनाने के लिए फोकस किया, फोर्स किया। मामूली रूप से बीरबल असहमत हुए, मतलब सहमत नहीं थे, अकबर को बहुत मतलब अच्छा चित्र बनाया, मतलब उन्होंने मामूली रूप से बीरबल सहमत हो गए और उन्होंने अकबर का बहुत बढ़िया चित्र बना दिया, ठीक है। सहमत होने का फिगर बना दिया। नेक्स्ट आपका, अकबर ने कुछ मंत्रियों को बुलाया, किसको बुलाया, चित्र को दिखाने के लिए मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने चित्र की समीक्षा करने के लिए कहा, देखो चित्र कैसा है जल्दी से बताइए। तो पहले व्यक्ति ने चित्र को विभिन्न कोणों और विभिन्न दूरियों से देखा। उन्होंने कलाकार
एक कलाकार का ब्रश लिया और एक जगह पर एक बिंदी लगा दी। पहले मंत्री ने तो ये कर दिया, अरे यदि सम्राट की इस तरह अरे ये सम्राट की तरह नहीं दिखता, पहले मंत्री ने ये बोला। दूसरे ने भी ऐसा ही किया, उसने इसे ऊपर नीचे देखा और भव्यता से एक बिंदु और लगा दिया। ओ यह निश्चित सम्राट के लिए ऐसा नहीं है, ठीक है, उन्होंने अधिकार के साथ घोषणा की। कुछ अन्य मंत्रियों ने बीरबल की टांग खींचने का मौका का इंतजार कर रहे थे, यह उन्होंने प्रत्येक के लिए एक सुनहरा ऑफर था। यानी हर मंत्री बीरबल से चढ़ते थे, कहीं ना कहीं उनको चांस मिल गया कि बीरबल का हम कुछ यहाँ पे क्रिटिसाइज करें उसे। सब इधर उधर बिंदी लगाते चले गए। सम्राट अकबर ने कहा, बीरबल इन लोगों ने इस पर इतने बिंदु कैसे डाल दिए, लेकिन पूरी तरह से पूरी तस्वीर मेरी तरह दिखती है, इसमें कोई शक नहीं है। अकबर ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल मेरा आका है, मेरा जैसा है, बिल्कुल जैसा आप, मतलब सेम मेरी तरह है। मुझे देखने दो, क्या ऐसे व्यक्तियों के दोष को साफ सुधरा चित्र बना सकते हैं, यानी जितने दोष दिए क्या ये मंत्री बना सकते हैं, कम से कम उस स्थान को तो ठीक कर सकते हैं जिसने उन्होंने चिन्हित किया है, कृपया उन्हें एक काम के लिए बुलाया जाए। यानी सम्राट ने बोला कि अगर इन व्यक्तियों ने इतने जगह पर उन्होंने चिन्हित किया है कि ये गलत है ये गलत है, तो क्या ये पर्टिकुलर उस चिन्ह को तो ठीक कर सकते हैं, माँ की इमेज नहीं बना सकते, ऐसा गैस किया। यह सुनते ही मंत्रियों को बहाना बनाना शुरू कर दिया। मंत्री जब बुलाए तो मंत्रियों ने बोला कि उन्होंने बहाने बना दिए, अरे ऐसा नहीं है, वैसे भी तस्वीर बहुत अच्छी है, लेकिन कहने का मतलब ये नहीं था, इसे सुधारा जा सकता है, ये कहने का मतलब था, पहले ने ये बोला। दूसरे ने कहा, मैंने तो बहुत पहले ही ब्रश से संपर्क छोड़ा है, हर के पास कोई ना कोई बहाना था और शर्मिंदगी के साथ प्रकट हुए थे। ठीक है, समझ में आ गई, पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया। वापस चलते क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा शांतली पढ़िएगा, समझ जाओगे, जिस भी लैंग्वेज में आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब पढ़ने के साथ साथ आप क्वेश्चन पे भी मूव कर सकते थे, कैसे पढ़ा, जहां पे क्वेश्चन का आंसर मिला, हाँ ये रिलेट कर रहा था हमारे क्वेश्चन से, क्वेश्चन हमारे पांच ही थे, यानी बीरबल ने अकबर ने क्यों कहा था और किसको बुलाया समीक्षा के लिए, और समीक्षा करने पर पहले मंत्री ने क्या कहा, जब ये समीक्षा की तो अकबर का रिएक्शन क्या था, और जो समीक्षा की थी मंत्रियों ने उनमें से कौन सा रिएक्शन, कौन सी समीक्षा नहीं थी, ये पांच क्वेश्चन थे, आई थिंक याद है सबको। चलिए वापस चलते हैं, अकबर ने बीरबल के पेंटिंग करने के लिए क्यों बोला था, अकबर बीरबल का कौशल न्याय का चेक करना चाहता था, ऐसा कोई चित्र नहीं था, पॉटिक पसंद नहीं था, हाँ उसके बीरबल जो कौशल था, कलाकार था, उसको देखना चाहता था, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट कर लेते हैं इसे, कोई ऐसी बात नहीं आती। चित्र की समीक्षा करने पहले मंत्री ने क्या था, पहले मंत्री ने सीधे कुछ कुछ कोण और दूरियों पर जाके सीधा ब्रश लगा दिया, उसने एक ब्रश लिया एक और, ये दूसरे मंत्री ने किया था, ये सेकंड काम दूसरे मंत्री ने किया, पहले ने सभी कोण और दूरियों पर एक चित्र लगा दिया, दूसरे ने एक ब्रश उठाया और सीधा चित्र लगा दिया। ठीक है, ये दूसरे ने किया था, और जो एम्परर थे सम्राट था उनका रिएक्शन क्या था, वो कन्फ्यूज हो गए, वो क्या उलझन में पड़ गए, क्रोध नहीं किया उन्होंने, मनोरंजन आनंद कुछ नहीं किया, क्रोध में यानी उलझन में पड़ गए कि इतना अच्छा फिगर था फिर भी उन्होंने कैसे इन पे डाउट कर दिया। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की बीरबल से कि उनको बुलाइए, कम से कम जो प्रॉब्लम बताई उनका सॉल्यूशन तो वो कर सकते हैं ना, उसे सही कर सकते हैं। किसे बुलाया, फोटो को त्रुटि सही करने के लिए सबको, मंत्रियों को बुलाया, सबको पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट है क्वेश्चन नंबर, मंत्रियों ने जो समीक्षा की उनमें से कौन सा नहीं था, पहला ऑप्शन है लेकिन पूरी तरीके सम्राट की तरह थी, ये किसी ने नहीं बोला, यह फिगर जो तस्वीर है पिक्चर है वो सम्राट की तरह दिखती है, ये किसी ने नहीं बोला। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। ठीक है, अब बताइए कैसा लगा, देखो अब मैं फिर से समराइज कर देता हूं, क्योंकि आप लोगों के पास क्वेश्चन भी थे, आंसर भी थे, आपने लगाए भी थे, सारा मेथड था। ठीक है, अब थोड़ा सा जनरल बातें मैं बोलूंगा और कुछ जरूरी बात भी करेंगे। चलिए क्या है, देखो आपको पता है, पहली तो बात मैं थोड़ा सा टाइम साइकिल के बारे में बात करना चाहूंगा। देखो आपको पता है, स्टार्टिंग में जाता हूँ इस पीडीएफ के स्टार्टिंग में,
स्टार्टिंग में जाएंगे तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। देखो आपको पता है कि आपका पेपर ये 5 सेक्शन में आता है, 5 जो पोर्शन होते हैं उनमें आता है, ठीक है। आप इस चीज़ को फॉलो करिएगा, इस चीज़ को फॉलो, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं एक और पेपर दे दूंगा उसमें लगाइएगा। रीडिंग क्वांटिटेटिव और इनको सेकंड साइकिल में करिएगा, सेकंड साइकिल में। पहली साइकिल में आप कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन समथिंग पहली सा, हाँ कंप्यूटर के समथिंग 10 क्वेश्चन या फिर इससे कम क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको सेकंड साइकिल में ले जाने की जरूरत पड़ेगी। उन्हें आप मार्क फॉर रिव्यू पर क्वेश्चन क्लिक करके नेस्ट करोगे, ना कि सेव नेस्ट करके, क्योंकि जब सेव नेस्ट कर दोगे तो कहीं ना कहीं आप यही नहीं फाइंड आउट कर पाओगे कि उस नंबर ऑफ लिस्ट में आपका वो क्वेश्चन कौन सा था जिस पर आपने मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ा था, ठीक है। कंप्यूटर के बाद सीधा जनरल अवेयरनेस के पास चले जाओ, सीधा मूव कर जाओ, वहां पे क्वेश्चन लगा दो, विद इन 2 or 3 मिनट में लगा दोगे। फिर वापस आओ, आपके मैथ्स और रीजनिंग में लगा लो, जो भी आपको कंफर्ट लगे, रीजनिंग आसान लगती है रीजनिंग लगा दो, पहले आसान आसान कर लो जिससे टाइम बचेगा बाद में, ठीक है। सर बहुत बढ़िया। अगर अब आप बताओ कि कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग जो कम से कम दूसरा पेपर चाहते हैं, इसी प्रकार का अगर आपको दूसरा मॉक टेस्ट भी चाहिए तो क्विकली एक मैं पोल अभी टेलीग्राम पर रखूंगा, पोल जितने भी स्टूडेंट हैं उस पोल में जरूर पार्टिसिपेट करना। मैं देखूंगा मॉर्निंग तक अगर 200 स्टूडेंट से ज़्यादा स्टूडेंट ने अगर इस पोल को यस किया तो मैं कल आपको टेस्ट दे दूंगा। मॉर्निंग में तो नहीं हो पाएगा, समथिंग शाम को मिल जाएगा, ठीक है। जिन लोगों का परसों पेपर है, यानी परसों पेपर है क्लास 8 बजे को, मैं आपको जरूर बेस्ट ऑफ लक के लिए आऊँगा। और बाकी कोई सजेशन होगा आप अगर आपके लिए तो मैं दे दूंगा। जिनका मॉर्निंग 16 का पेपर है उनको इतना टाइम मिलेगा कि वो पेपर दे लेंगे, 75 मिनट रहेंगे उनके पास, आराम से दे लेना। कल कुछ पढ़ना मत, रिवीजन है, रिवीजन नोट्स आपके पास है, वही पढ़ लेना, आसान है, ठीक है। बाकी अगस्त वाले पेपर और ये पेपर, इनको प्रॉपर तरीके से एक बार एनालिसिस और करना, बाकी आपको डेफिनेटली आपका पेपर ज़रूर निकलेगा। आप पेपर देख के आना, इन अगर मॉक टेस्ट से इन सारे कंटेंट से अगर आपको हेल्प न मिले तब बोलना कि सर आपने कंटेंट दिया और हमें बिल्कुल भी हेल्प न मिली। क्योंकि मोस्टली मेरा यही टारगेट रहता है कि अगर आप मुझे टाइम दे रहे हो तो आपका उस टाइम का पर्टिकुलर यूज़ होना ज़रूरी है, यानी कम से कम उसका थोड़ा सा ज़्यादा नहीं तो बहुत, जितना टाइम दिया उतना तो समझ में आए आपको, इतना तो मिल जाए कंटेंट। यस, 16 को फर्स्ट में है, एडवांस आपको बेस्ट ऑफ लक है, ठीक है। बाकी मैं पोल रखूंगा अभी टेलीग्राम पर, तो उस पोल में जरूर पार्टिसिपेट करना। जिनको टेलीग्राम का लिंक नहीं है, जो चैनल पे नए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ से सीधा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक डाल रखी है, वैसे मैं आपका जो टैब है, जो वो आपका कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा मुझे। बाकी सॉल्यूशन तो नहीं हो पाएगा इसका, जो आगे मैं मॉक टेस्ट दूंगा उसका सॉल्यूशन पॉसिबल हो जाएगा तो मैं कल करा दूंगा, कल टेस्ट भी करा देंगे और सॉल्यूशन भी करा देंगे, ठीक है। दोनों में अगर हो जाएगा तो करा दूंगा, वैसे चांस है टेस्ट का सॉल्यूशन का नहीं है, सॉल्यूशन का कम चांस है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, आप जरूर पार्टिसिपेट करना, मैंने लिंक दे दिया है आपको टेलीग्राम का, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। बाकी लेक्चर कैसा लगा है ज़रूर बताना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। और बाकी अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इस टेस्ट को इनरोल करवा सकते हो ज़रूर करवाइएगा, क्योंकि फाइनली आपको इस टेस्ट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है। बाकी आप बताइएगा जो भी आपको क्लास लगी, कैसी लगी है। चलिए तो मैं कल मिलता हूँ आपसे, जो भी रहेगा टेस्ट रहेगा तो उसका अनाउंस आपका टेलीग्राम पे कर दिया जाएगा, कितने बजे अपलोड होगा, अपलोड इसी में हो जाएगा, इसी कोर्स में, वहाँ पे सेकंड टेस्ट है वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। सर मॉर्निंग में दे देना, इवनिंग में सॉल्यूशन करवा देना, प्रेम मैं कोशिश करूँगा। अगर जितने ज़्यादा, मैंने बोला अगर 200 का टारगेट चला गया, यस बोला, तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी दे दूंगा, समथिंग इतना टाइम दूंगा कि आपका सॉल्यूशन भी हो जाए वो भी हो जाए, ठीक है।
चलिए ठीक है, चलिए तो मिलते हैं, बहुत टाइम हो गया, खाना वाना भी खाना है, क्या करें सर। पीडीएफ फ्री में देख, पीडीएफ जरूरी नहीं, पीडीएफ इसीलिए मैं दे रहा है, पेपर का, पीडीएफ का क्या करोगे, पेपर के सारे क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन अटेम्प्ट पेपर अटेम्प्ट किया है, सारे क्वेश्चन है वहां पर, और कुछ पीडीएफ की बात की जा रही तो टेलीग्राम पे है समथिंग, इतने पीडीएफ है कि आपका पेपर निकाला जा सकता है। ठीक है, अगर आप इस पेपर में क्वालिफाई हो रहे हो तो डेफिनेटली मेरी नजर में आप क्वालिफाई हो रहे हो, और कहीं ना कहीं अगर आपने क्वालिफाई नहीं कर पाए तो समथिंग समथिंग थोड़ा सा पढ़ने की आपको और जरूरत है। ठीक है, बाकी क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना, पोल कर दो, अभी पार्टिसिपेट कर दो, मैं पोल कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।